जानकारी उत्थे तक पहुंचा रहे हैं। हुण गल करने हैं टीम मान दी। सो एक कैबिनेट चेहरे ने, एक कैबिनेट चेहरे मैं जो हुण गल करूंगा कि आखिरकार वो केड़े चेहरे जिहड़े पिछली बार वाले 10 एमएलए जिन्हां नूं इसकी टिकट दिती गई और फिर तो जित के विधानसभा पहुंचे ने, पहला उन्हां नामों का जिक्र करने कि आखिरकार वो केड़े चेहरे ने जिहड़े कैबिनेट दे विच शामिल होण जा रहे ने। थोड़ी देर तक रस्मी ऐलान, सिर्फ बाकी चेहरे कौन ने वो थोड़े सामने पेश करने। सो यह चेहरे ने जिहड़े भगवंत मान की कैबिनेट का हिस्सा होणगे। इन्हां चेहरियां दे विच पहला नाम हरपाल सिंह चीमा का, विरोधी धिर दे आगू पिछली बार रहे ने, जड़वा तो एक बार फिर तो इलैक्शन जीते ने। हरपाल चीमा कैबिनेट का मेन चेहरा आप कह सकते हैं कि भगवंत मान तो बाद दूजे नंबर से कह सकते हैं कि हरपाल चीमा कैबिनेट का हिस्सा होणगे। दूजा वड्डा नाम आता है सुनाम तो एमएलए अमन अरोड़ा, जिहड़े कि 75,000 तो वध वोटां दी लीड दे नाल इलैक्शन जीते ने, दूजी बार विधानसभा पहुंचे ने और उन्हां दा नाम लगभग तय मनिया जा रहा है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। सारे एमएलए जिन्हां दा मैं जिक्र कर रहा चंडीगढ़ वल नूं तुर पए ने, फोन पहुंच चुके ने। थोड़ी देर तक मोहाली दे एक होटल दे विच मीटिंग शुरू होण जा रही है, यह जानकारी भी दे रहा। तीजा नाम है कुलतार सिंह संधवा, कोट कपूरा तो एमएलए ने कुलतार सिंह संधवा, दूजी बार जित के विधानसभा पहुंचे ने, टीम मान का हिस्सा होण जा रहे ने, यह तीजा चेहरा। सब तो वड्डी गल प्रोफेसर बलजिंदर कौर, यह चौथा चेहरा है, तलवंडी साबो तो इलैक्शन जित के दूजी बार विधानसभा पहुंचे ने, पर इस चेहरे पर एक स्टार अजे भी है, यानी कि कंडीशन अप्लाई वाला स्टार, यस और नो वाला 50-50 अजे बनया होया। यह चेहरा पक्का प्रिंसीपल बुद्धराम बुढ़लाडा तो एमएलए ने, दूजी बार जित के पहुंचे ने, टीम मान का हिस्सा होण जा रहे ने, किसी गल की कोई शक वाली गुंजाइश नहीं है। मैं बार बार कह रहा लिस्ट ए नाम फाइनल ने, थोड़ी देर तक परचा थोड़े सामने होएगा। छेवां नाम आता है मीथेयर का, गुरमीत सिंह मीथेयर बरनाला तो एमएलए ने कैबिनेट का हिस्सा होण जा रहे ने, और जिहड़ी सब तो वड्डी गल है कि युवा चेहरे के तौर पर स्पोर्ट्स यूथ अफेयरस वर्गे पोर्टफोलियो, पहला जिक्र चेहरिया का करने, बाद चो पोर्टफोलियो का भी जिक्र करांगे कि आखिरकार किसनू केड़ा महकमा मिलन जा रहा है, यह भी जानकारी थोड़े तक पहुंचावांगे। लगातार अज पूरे दिन ऐसे खबर से रहांगे। अगला ये पुराने चेहरे ने, यह पुराने चेहरे इस करके मैं कह रहा कि जेडे दूजी बार एमएलए बने, पिछली बार भी पार्टी ने इन्हें भरोसा जताया, पार्टी इन्होंने सीटा जित के जितिया, दूजी बार फिर तो भरोसा जताया और दूजी बार फिर तो जितते ने। हुण मैं गल करूंगा दो अजिहे चेहरे, क्योंकि कैबिनेट मंत्रियों तो अलावा दो संवैधानिक पोस्टा होर होंदिया ने, स्पीकर ते डिप्टी स्पीकर, उन्हां दे लई किहड़े नाम अगे चल रहे ने। पहला जिक्र स्पीकर ते डिप्टी स्पीकर दा करांगे कि आखिरकार उन्हां दे लई किहड़े दो नाम ने जिहड़े कि अगे चल रहे ने, या कह लिए कि फाइनल ने। बड़ी जिम्मेवारी नाल कह रहे हैं कि स्पीकर ते डिप्टी स्पीकर लई इह नाम फाइनल ने। सरबजीत कौर माणुके जगराओं तो एमएलए ने, पंजाब विधानसभा के अगले स्पीकर होणगे, थोड़ी देर तक रस्मी ऐलान होना बाकी। दूजा नाम मनजीत सिंह बिलासपुर, पार्टी के एमएलए ने और दूजी बार जित के आए ने, और यह भी दसदा कि जिम्मेवारी मिलन जा रही है डिप्टी स्पीकर की। सो यह दो चेहरे फाइनल हो चुके ने, ऐलान होना बाकी है। मैं बार बार कह रहा जिम्मेवारी नाल कह रहा कि नाम फाइनल ने, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। इस तो अलावा हम गल करांगे कि कैबिनेट होएगी क्यों जी, कैबिनेट छोटी होएगी, मुख्यमंत्री सने 10 लोग होंगे इस टीम का हिस्सा, जिदे विच 6 पुराने विधायक, 2 नवे चेहरे, 2 स्पीकर ते डिप्टी स्पीकर, ये भी क्योंकि कैबिनेट रैंक होंदा। सो ये सोचुक समागम कल होएगा 11 बजे राजभवन के विच, स्पीकर की चोण विधानसभा होएगी, डिप्टी स्पीकर की। हुण नवे चेहरे किहड़े शामिल किए जा रहे हैं जिसनों लैके बहुत सारे सवाल ने। कई लोग कहते हैं कि जी जिहड़े लोग धुरंधर चेहरे नूं हरा के पहुंचे ने उन्हां नूं तवज्जो दित्ती जाएगी, पर वो प्रोग्राम जो मेरे को जानकारी आई कि पार्टी ने थोड़ा जिहा ड्रॉप आउट कर दिता, क्योंकि कोई कांग्रेस तो आया, कोई किसी होर पार्टी तो आया, कल्ले लाभ सिंह नूं छड़ के ते डॉक्टर चरणजीत सिंह नूं छड़ के, पर जिहड़े दो चेहरे ने, एक सब तो वड्डी जिहड़ी एक कह सकते हैं कि जित पार्टी की, या कह दिए कि चर्चित जित, वो हैगी अमृतसर ईस्ट हल्के की जीवनजोत कौर, पार्टी का चेहरा कैबिनेट दे ली, नाम तय है।
ऐलान होना बाकी है। अमृतसर तो दो वड्डे चेहरे जिहड़े कैबिनेट का हिस्सा होणगे, पहला नाम आता है जीवनजोत कौर का और दूजा नाम आता है कुंवर विजय प्रताप का। हालांकि पुराने चेहरे पार्टी के डॉक्टर निजर भी उत्थे हैगे, इंदरबीर सिंह निजर, पर हुण पार्टी फिलहाल अमृतसर तो एक चेहरा लेगी और वह है जीवनजोत कौर का, दूजा चेहरा जिदे ते सस्पेंस बरकरार है। और यह जानकारी है कि चेहरा दुआबे तो होएगा, क्योंकि दुआबे की गल करिए तो गढ़शंकर नूं छड़ के केड़ी भी सीट ते कोई भी MLA सैकेंड टाइमर नहीं है। गढ़शंकर तो जयकिशन रोड़ी मुड़ तो जित के पहुंचे ने, पर उन्होंने शायद कैबिनेट च ना लिया जाए, कोई होर जिम्मेवारी दी जाए, जो जानकारी साढ़े को है। हुण दूजा दुआबे तो वड्डा चेहरा कौन, नवा चेहरा, नवा इस करके कह रहे हैं कि जो भी होएगा फर्स्ट टाइमर होएगा और दुआबे तो एक चेहरा लिया जा रहा है। हो सकता है यह चेहरा शाम 84 तो जिते डॉक्टर रवजोत होण, चूंकि पार्टी के पुराने ने, लोकसभा इलैक्शन भी लड़ चुके ने, पिछले भी इलैक्शन लड़ चुके ने और इस बार जित के विधानसभा पहुंचे ने, तो डॉक्टर रवजोत जिहड़े शाम 84 तो जित के विधानसभा पहुंचे ने, वो कैबिनेट का चेहरा हो सकते हैं। सीधा अमृतसर का रुख करांगे, मनजिंदर मेरे सहयोगी इस वक्त जीवनजोत कौर के घर उन्होंने दफ्तर मौजूद ने, उन्होंने गलबात करने हैं किस तरह का उत्थे हलजुल हिलचल हलचल या हिलजुल कह सकते हैं कि नजर आ रही है। मनजिंदर की जानकारी निकल के आ रही है अमृतसर की कैबिनेट को लेकर? जी बिल्कुल नवनीत, दस रहे इस टाइम असं मौजूद हाँ मैडम जीवनजोत के दफ्तर के बाहर, जिते कि दफ्तर के बाहर ताले लगे होने, क्योंकि तैयारियों को लैके जो कि उन्होंने वालों तैयारी की जा रही चंडीगढ़ जाना से, क्योंकि कितने ना कि इन्हों का नाम भी इस तय हो चुका वा, तो सूत्रों के वाले अज गल आई। तो दूजे पास जो गल की है IG कुलवीर प्रताप का, उन्होंने भी नाम जो शामिल हो गया, तो इस टाइम असं मौजूद हाँ उन्होंने दफ्तर के बाहर कि जिते हिलचुल होनी चालू हो गई है। पहला इतने जो दफ्तर खुला सी, पर जो ये चीज़ का पता लगता तो उन्होंने वालों कितने ना कि तैयारी की जा रही है चंडीगढ़ जाने की, इस करके कि सूत्रों वाले ही गल सामने आ रही है कितने ना कि उन्होंने नाम तय हो चुका वा, क्योंकि वड्डी सीट होर सीट मनी गई थी अमृतसर गुरु नगरी की, जिते एक पासे माझे दे जनरल बिक्रम जीठिया, दूजे पासे कांग्रेस के प्रधान सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी के, दोनों थंब जिहड़े कि ना कि उन्होंने वालों छुट्टे गए हैं। इस करके कि वड्डी लीड के नाल मैडम जीवनजोत जित के जी है कि उन्होंने लोकल जी केजरीवाल की झोली के सीट पाई है, इस करके हुण उन्होंने नाम भी इस सीट के कितने ना कि तय होता नजर आ रहा है। जी नवनीत, लेकिन मैं एक चीज़ और इतने समझ नहीं चाहूँगा कि होर दो नाम ने डॉक्टर निजर का कुंवर विजय प्रताप का, वजह की है कि उन्होंने नाम से घट चर्चा होनी और इस नाम से ज़्यादा चर्चा होनी? मनजिंदर जी बिल्कुल, ये जिहड़ा नाम जिहड़ी होर सीट जिहड़ी मन्नी गई सी कितने ना कि थम मन्ने गए सन, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम जीठिया, इस करके कि इन्हों थमां नूं सुट्टण वास्ते जीवनजोत वालों बड़ी मेहनत की गई सी, पर जे दूजे पासे वेखिया जाए सीटां वह भी होर मन्नियां गईयां सी, पर कितने ना कि हुण ये नवा चेहरा वा, नवा एक्सपीरियंस है, इस करके कि इन्हों ज़्यादा जो एक्सपीरियंस ज़्यादा कहा जा रहा, इस करके दो जो नामी चेहरे गए डॉक्टर निजर और IG विजय कुमार प्रताप का, उन्होंने भी चर्चा हो रही है, पर थोड़ी चर्चा हो रही है, ज्यादा चर्चा नाम की जो गल की जाए आम पार्टी जीवनजोत की चर्चा हो रही है। मैं फिर से थोड़े को आऊंगा, सीधा संगरूर का रुख करांगे, जड़वा का, जिथे हरपाल चीमा के घर के बाहर साढ़े पत्रकार विक्की भुल्लर मौजूद ने, कोटकपूरा का भी जिक्र करांगे, जिथे कुलतार संधवा के घर के साढ़े सहयोगी तरसेम चोपड़ा भी जुड़े हुए हैं। पहला विक्की थोड़े को आ रहा कि हरपाल चीमा भी निकल चुके ने चंडीगढ़ के लिए, जिस तरह दर्चावं लगातार चल रही और की जानकारी निकल के आ रही है? हाँ बिल्कुल नवनीत जी, क्योंकि संगरूर तो दो चेहर का जो जिक्र हो रहा है अमन अरोड़ा और हरपाल चीमा का, अमन अरोड़ा करीब 3 बजे जो चंडीगढ़ लिए निकल चुके हैं, पर लेकिन हरपाल चीमा के घर के बाहर खड़े हैं संगरूर विखे, जी उन्होंने अपनी रहायश है उत्थे खड़े हैं। हरपाल चीमा हजे संगरूर के ही मौजूद ने, वो अपने किसी निजी काम लिए बाहर गए हुए हैं, लेकिन है वो संगरूर के ने फिलहाल, हजे कह सकते हैं कि तैयारियां चंडीगढ़ जाने दी जिहड़ियां ने वो पूरियां हो चुकिया ने, क्योंकि गड्डिया गुड्डिया जिहड़ियां ने वो धोवा लिया गई ने, ठीक करवा लिया गई ने, तो ठीक होकर उरे आ भी गई ने, पर लेकिन फिलहाल वो अपने घर के मौजूद नहीं, कि असं उन्हें घर के बाहर खड़े हैं, तस्वीर भी तुम्हें दिखा दें कि उन्होंने गड्डी जी अंदर खड़ी हैगी, पर लेकिन हो सकता देर रात वो अपने घर तो निकल, जां फिर जिवें अक्सर पहला आप जिक्र करते हैं कि हरपाल चीमा जदों भी जाते हैं तो पहला नतमस्तक होंगे ने, इतों अपने पिंड जाते हैं गुरुद्वारा साहब जाके नतमस्तक होकर फिर जाते हैं, कितने भी जाना हो सकता कि अर्ली मॉर्निंग उन्होंने निकलना हो, क्योंकि 2 घंटे का सफर है, पर लेकिन फिलहाल हरपाल चीमा की गल की जाए तो वह हजे संगरूर के मौजूद ने अपने इतने इलाके के ने, पर अमन अरोड़ा ने जिहड़े वो इतों निकल चुके हैं करीब 2 घंटे। मैं फिर तो आऊँगा थोड़ा जिहा होर तुहाडे तों समझण की कोशिश करूंगा कि होर कि नाम ने, पर सीधा कोटकपूरा चलने तरसेम जुड़े ने, तरसेम
कुलतार संधवा का नाम पहली कतार चो सब तो पहला चल रहा है और लगभग फाइनल है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। किस तरह का माहौल उन्होंने घर के बाहर या उन्होंने इलाके नजर आ रहा है? इस खबर तो बाद सरकार तो बनी गई है पर हुण कैबिनेट दे विच शमूलियत होना। जी नवनीत जी, मैं दसना चाहवा इस टाइम मैं उन्होंने घर के बाहर खड़ा हाँ। कुलतार सिंह संधवा जी जे दूसरी बारी एम एल ए बन के जे विधानसभा च पहुंचे ने, तो इन्होंने वालों इस टाइम जे कुलतार सिंह संधवा जी चंडीगढ़ चले गए है, सुबह के गए हुए हैं और उन्होंने वालों जिहड़ियां इत्थे पिछे जिहड़े उहदे वर्कर हैगे आ उह पूरी तैयारियां कर रहे हैं, उन्होंने स्वागत दीआं भी वह मंत्री बन के कदों आणगे। इस टाइम असं उन्होंने घर के बाहर खड़े हाँ, घर के अंदर उन्होंने जिहड़े परिवार के लोग बैठे हैगे आ, उन्होंने माता जी के कोले सारे जणे जिहड़े हैगे आ, उन्होंने रिश्तेदार भी और दोस्त मित्र भी कुछ बैठे हुए ने और उन्होंने नाल गलबात कर रहे भी। कुलतार सिंह संधवा जी जिहड़े कल जिहड़े हैगे मंत्री दी सहुं चुकणगे ते विधानसभा दे विच कल उन्होंने जिहड़ी सहुं चक समागम विच शामिल होणगे। जी ठीक है, मैं फिर तो आऊंगा। विकी एक चीज होर, नरेंद्र कौर भराज ने थोड़ी देर पहला भगवंत मान नाल मुलाकात की थी जदों दोपहर संगरूर सीगे। मैं गल इत्थे समझ नहीं चाह रहा कि वह नाम भी चर्चावां दे विच है और खास तौर पर जो बरनाले जिले की गल आती है, चूंकि संगरूर कॉन्स्टिट्यूएंसी जी लोग सभा है वो बाईपोल ध्यान च रखते हुए मीथियर तो अलावा शायद इसे करके लाभ सिंह हो गए नहीं शामिल किया जा रहा कि शायद इसे कॉन्स्टिट्यूएंसी तो 5-6 मैं कैबिनेट मंत्री ना हो जाए। देखो नवीन जी, पहले भी आप जिक्र कर चुके हैं क्योंकि लोकसभा जिहड़ियां चोणां ने बेहद नज़दीक ने, क्योंकि भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने बाद जिहड़ी सीट वो खाली हो चुकी है, इसलिए हो सकता है कि एक रैंक कैबिनेट जिहड़ा संगरूर दे विच होर आ सकता है, क्योंकि नरेंद्र कौर भराज का जिक्र इसलिए आप कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के बड़े दिग्गज जिहड़े नेता ने, दिग्गज वड्डा चेहरा सी विजेंद्र सिंगला, कई कई महकमे उन्होंने भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कई कई महकमे उन्होंने कोल रहे हैं, पर इस लैके उन्होंने एक बड़े फर्क के नाल हराया, क्योंकि शायद महिलावां दे विचों पहली वो कुड़ी होएगी जिहड़ी सब तो घट उम्र की कुड़ी होएगी जिसनों की अरविंद केजरीवाल ने चोन मैदान के उतारिया उम्मीदवार बना के संगरूर तो, क्योंकि 2014 तो भगवंत मान जो पहली बार लोकसभा के आए थे उस समय वो पार्टी के नाल जुड़ी सी, लगातार पार्टी लिए काम करती गई तो वड्डे पद्धर के उपर उसनों अगे ले गया, पर जदों गलबात की अच्छ सवेरे जदों भगवंत मान अपने रिहायश के आए थे संगरूर वाली तो उत्थे उन्हां दी मुलाकात जरूर हुई है, उस तो बाद तुरंत तो बाद अपने उतों घरों जो निकल चुके सी, पर लेकिन हूँ अगर क्योंकि दो नाम तो बिल्कुल फाइनल ने संगरूर लैके अमन अरोड़ा हरपाल चीमा, दूसरा बरनला का जिम्मे जिक्र कर रहे आप मीतहेर, क्योंकि मीतहेर दूजी बार विधायक ने, अगर महिलावान के किसी जिन पहली बार जी टिकट मिल जा रही है मिली है जोड़े ने जित के अगे गए ने, तो सब तो घट उम्र की जी लड़की आ कह सकते हैं नरेंद्र कौर भराज हो सकती है जी अक्सर ही सुर्खियों में रही थी, तो इस चेहरे को शामिल भी किया जा सकता, पर लेकिन इसके उपर मोर लगी तो बाद जो थोड़ी देर बाद जी साफ होएगा फिर ही कुछ किया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल जेडे नामों के जी चर्चावान ने जिड़िया वो हजे काफ़ी पिछे चल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद विक्की इस तमाम जानकारी लिए। मनजिंदर थोड़ा भी धन्यवाद, तो तरसेम जुड़े से तरसेम थोड़ा भी धन्यवाद। सो टीम मान कैबिनेट किस तरह की रहेगी लगातार एक बार फिर तो थोड़ा दसने एक एक करके, शुरुआत स्पीकर डिप्टी स्पीकर तो करने हैं, 6 पुराने चेहरे के होंगे, 2 नवे चेहरे के होंगे, सो स्पीकर तो शुरुआत करने हैं, स्पीकर ते डिप्टी स्पीकर कौन इस नवी सरकार दे विच बनन जा रहे हैं? स्पीकर दे नाम ते सरबजीत कौर माणुके का नाम सब तो अगे या कह लिए कि लगभग फाइनल है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। डिप्टी स्पीकर मनजीत सिंह बिलासपुर जिहड़े ने डिप्टी स्पीकर होंगे, थोड़ी देर तक रस्मी तौर पर ऐलान भी हो जाएगा। उस तो बाद जो कैबिनेट की गल कर रहे हैं, 6 पुराने चेहरे कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे, एक तो अजे थोड़ा जा चर्चा चल रही है पर लगभग फाइनल है। 6 कैबिनेट के चेहरे किहड़े होणगे उहदी गल कर लैंदे हां कि आखिरकार कैबिनेट के पुराने चेहरे किहड़े शामिल किए जा रहे हैं। सो 6 चेहरे ने, पहला नाम हरपाल चीमा का आंदा, दूजा नाम अमन अरोड़ा का, तीजा कुलतार संधवा का, उस तो बाद जो असी गल करिए प्रोफेसर बलजिंदर कौर प्रिंसीपल बुधराम ते मीथियर, ये 6 चेहरे हरपाल चीमा अमन अरोड़ा कुलतार संधवा प्रोफेसर बलजिंदर कौर प्रिंसीपल बुधराम ते मीथियर, 2 नवे चेहरे कैबिनेट च शामिल किए जा रहे हैं। जो जानकारी है उन्होंने 2 चेहरों के पहला नाम है जीवनजोत कौर अमृतसर तो ईस्ट हल्के तो जित के विधानसभा पहुंचे ने बिक्रम मजीठिया नवजोत सिद्धू हरा के, दूजा नाम दुआबे तो सब तो ज़्यादा अगे नाम डॉक्टर रवजोत सिंह का जो कि शाम 84 तो जित के आए हैं, पहला भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और एक बार फिर तो उन्होंने नाम अगे या कोई नवा चेहरा दुआबे तो और खास तौर पर एसटी भाईचारे तो, एक कितने ना कितने कैबिनेट इस तरह की रहेगी जो असी कह सकते हैं कि कल सवेरे 11 बजे हलफ लेगी यानी कि सौ चुकेगी। हुण एक होर वड्डी खबर आ रही है, एक्शन मोड दे विच सीएम भगवंत मान नजर आ रहे हैं, लगातार पहले दिन तो एक्शन मोड च ने और अज मोहाली के
मोहाली क्लब विखे अफसर के नाल तीन घंटे मीटिंग की गई है। सो लगातार एक्शन मोड के विच ने भगवंत मान ते अज एक अहम मीटिंग थोड़ी देर पहला की गई है। मोहाली सीएम भगवंत मान ने अफसर के नाल मीटिंग की है, जो जानकारी है कि ढाई घंटे ये मीटिंग चली है, जिस विच वेणु प्रसाद भी मौजूद रहे ने और थोड़ी देर पहला मीटिंग खत्म हुई है, जिसे होर भी कई अधिकारी मौजूद सके। प्रसाद सड़े कई अधिकारी इस मीटिंग के मौजूद रहे हैं। इस वेले वड्डी खबर लगातार थोड़े तक पहुंचा रहे हैं, ढाई घंटे ये मीटिंग चली है। सो वेणु प्रसाद सड़े कई अधिकारी इस मीटिंग के मौजूद रहे हैं। मोहाली क्लब च करीब ढाई घंटे ये मंथन चलिया। हालांकि कैबिनेट दे ऐलान तो पहला है मीटिंग और चूंकि सौ चुक समागम भलके रखा गया है 11 बजे, उस तो पहला इस मीटिंग का होना काफ़ी अहम मनिया जा रहा। और की जो अज एक वड्डा ऐलान असी कह सकते हैं कि नरमे की फसल को लैके गुलाबी सुंडी के नुकसान को लैके किया गया कि उसके मंथन। आशु ने जहाँ साढ़े पत्रकार साढ़े नाल जुड़े ने, आशु की जानकारी है मीटिंग को लैके? देखो भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री ने वेणु प्रसाद के नाल मीटिंग की, तकरीबन ढाई घंटे मीटिंग चली है। मोहाली क्लब के मीटिंग हुई है तो पंजाब के जो गंभीर मसले है तो किसानों के मसले, खास करके किसानों के मसले उपर विचार वटांदरा जिहड़ा भगवंत मान वालों किया गया, क्योंकि कितने ना कितने एक्शन मोड के भगवंत मान नजर आ रहे पंजाब के मुख्यमंत्री, उसे लैके ढाई घंटे से होर अधिकारी भी जिहड़े इस मीटिंग के वड्डे पद्धर उपर मौजूद रहे थे। कह सकते हैं कि कल के कैबिनेट के शामिल चेहरे किहड़े होणगे, इंतजाम की होणगे या अगे दे की कुछ प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि अफसर की भी एक वड्डी टीम तैयार होनी है, उसनों लैके भी मंथन हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, उसको लैके भी मंथन है। इस मीटिंग में हर एक चीज़ को लेकर चर्चा की गई, क्योंकि जोड़े विधायक है जिन्होंने मंत्री बनना वो चंडीगढ़ के आप मोहाली के पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने अलग तो जी मीटिंग चल रही हैगी, अलग तो मीटिंग की जा रही है, तो भगवंत मान उन्होंने लैके जी अलग तो चर्चा कर रहे हैं, चाहे अमन अरोड़ा की गल कर ली, कुलतार सिंह की गल कर ली, जीवन ज्योत की गल कर ली, तमाम विधायक जेडे मंत्रिमंडल जिन्हों की उम्मीदा है कि शामिल हो सकते हैं, उन्हों की एक मीटिंग चल रही है। भगवंत मान वालों इन्हों पर भी मंथन किया गया कि अधिकारी किस हिसाब के लगाया जाना, यह सारी चर्चा चीजों लैके चर्चा की गई है। कह सकते हैं कि छुट्टी होने करके आशु के सैक्रेटरी मीटिंग ना करके इसे करके बाहर की जा रही है कि टीम किस तरह की रहे, अगे फैसले किस तरह के ले जाए जिससे मंथन? बिल्कुल, इस कसरत अज होली वाले दिन से छुट्टी, सब तो आप की हैरानी वाली गल है कि छुट्टी वाले दिन भी भगवंत मान मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि छुट्टी वाले दिन में अधिकारी हाजिर नहीं होंगे, पर छुट्टी वाले दिन भी भगवंत मान मीटिंग कर रहे हैं, तो सैटरडे भी अक्सर जो सतरत के छुट्टी होंगी, तो सैटरडे भी जो काम होने वाला है, कल कैबिनेट की सहु चुकी जानी हैगी, कल जी कैबिनेट मीटिंग रखी गई है, तो छुट्टी वाले दिन ही मतलब आप एक्शन मोड के। ठीक है, धन्यवाद आशु इस तमाम जानकारी लिए। सो ढाई घंटे मीटिंग चली है मोहाली क्लब के, मीटिंग मुख्यमंत्री वालों अफसर के नाल की गई है। सवाल वटा है कि अफसर की टीम से अपनी टीम किस तरह की रहे, उत्तर किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन के इन्हें इजाजत दौ, सत श्री अकाल। देखो ये तो इतिहासिक त्यौहार है, ये बड़े ही प्यार मनाया जाता है, ये थोड़ा थोड़ा जहा जो पुराने रंग आने कारण ये बड़ा ही थोड़ा पिछड़े और चला गया रंग, ये त्यौहार प्यार भरया है, मैं चाहिए सारे लोगों को प्यार भरया त्यौहार मनाना चाहिए और मिलजुल के त्यौहार मनाना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है। तब बिल्कुल त्यौहार मनाया जा रहा है, तो तस्वीर तुम देख सकते हैं वो तो होर गलबात कर लेने है सर, आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा, खुशियों वाला त्यौहार होंगे कि कहना चाहते हो? चोपड़ा साहब बहुत ही खुशी भरी गल है कि अज होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, ये त्यौहार एवं मिलता एवं मनाते रहिए आप आपस, बहुत ही इनके प्यार के प्रतीक आप पुराने कर छोटे छोटे बच्चे होली का त्यौहार मना रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत इंजॉय कर रहे, छोटे बच्चों को तो ज़्यादा क्रेज अजकल, अपना भी टाइम होंदा सी हुण अज इन्हां दा है, बहुत ही मना रहे हैं। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे भी होली का त्यौहार मना रहे हैं, तस्वीर ऐसी दिखाई है फिरोजपुर दी, ढोल बजाए जा रहे तो होली का जिहड़ा वो मनाया जा रहा है। कैमरा परसन रोही दे नाल सनी चोपड़ा, लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब, फिरोजपुर।
विश्व भर के होली का त्यौहार मनाया जा रहा है तो पंजाब के जिला फिरोजपुर की होली का त्यौहार तुम दिखा देना चाहते हैं कि बच्चे जोड़ा वो भंगड़ा पा रहे हैं तो होली का त्यौहार जोड़ा वो मनाया जा रहा है। तस्वीर देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे जोड़ा एक दूसरे के उपर रंग लगा के तो होली का त्यौहार जोड़ा मनाया जा रहा है। तो तस्वीर देख सकते हो कि कितनी खुशी जी है बच्चे के बच्चे जोड़े है रंग एक दूसरे के उपर लगा रहे हैं तो होली का त्यौहार जोड़ा वो मनाया जा रहा है। पचकारियां फड़िया हुई हैं तो होली का त्यौहार मना रहे हैं, गलबात करते हैं चाहिए और मिलजुल के त्यौहार मनाना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा त्यौहार है। बिल्कुल त्यौहार मनाया जा रहा है तो तस्वीर तुम देख सकते हैं वो तो होर गलबात कर लेने है। सर अज होली का त्यौहार मनाया जा रहा खुशियों वाला त्यौहार होंगे की कहना चाहते हो? चोपड़ा साहब बहुत ही खुशी भरी गल है कि अज तो होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार एवं मिलता एवं मनाते रहिए आपस बहुत ही इनके प्यार के प्रतीक आपने कर छोटे छोटे बच्चे होली का त्यौहार मना रहे हैं। हाँ जी हाँ जी बहुत इंजॉय कर रहे छोटे बच्चों तो ज़्यादा क्रेज अजकल अपना भी टाइम होंदा सी हुण अज इन्हां दा है बहुत ही मना रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी होली का त्यौहार मना रहे हैं। तस्वीर ऐसी दिखाई है फिरोजपुर दी ढोल बजाए जा रहे तो होली का जिहड़ा वो मनाया जा रहा है। कैमरा परसन रोही दे नाल सनी चोपड़ा लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब फिरोजपुर। विश्व भर के होली का त्यौहार मनाया जा रहा है तो पंजाब के जिला फिरोजपुर की होली का त्यौहार तुम दिखा देना चाहते हैं कि बच्चे जोड़ा वो भंगड़ा पा रहे हैं तो होली का त्यौहार जोड़ा वो मनाया जा रहा है। तस्वीर देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे जोड़ा एक दूसरे के उपर रंग लगा के तो होली का त्यौहार जोड़ा मनाया जा रहा है। तो तस्वीर देख सकते हो कि कितनी खुशी जी है बच्चे के बच्चे जोड़े है रंग एक दूसरे के उपर लगा रहे हैं तो होली का त्यौहार जोड़ा वो मनाया जा रहा है। पचकारियां फड़िया हुई हैं तो होली का त्यौहार मना रहे हैं, गलबात करते हैं त्यौहार मनाना चाहिए और मिलजुल के त्यौहार मनाना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा त्यौहार है। बिल्कुल त्यौहार मनाया जा रहा है तो तस्वीर तुम देख सकते हैं वो तो होर गलबात कर लेने है। सर अज होली का त्यौहार मनाया जा रहा खुशियों वाला त्यौहार होंगे की कहना चाहते हो? चोपड़ा साहब बहुत ही खुशी भरी गल है कि अज तो होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार एवं मिलता एवं मनाते रहिए आपस बहुत ही इनके प्यार के प्रतीक आपने कर छोटे छोटे बच्चे होली का त्यौहार मना रहे हैं। हाँ जी हाँ जी बहुत इंजॉय कर रहे छोटे बच्चों तो ज़्यादा क्रेज अजकल अपना भी टाइम होंदा सी हुण अज इन्हां दा है बहुत ही मना रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी होली का त्यौहार मना रहे हैं। तस्वीर ऐसी दिखाई है फिरोजपुर दी ढोल बजाए जा रहे तो होली का जोड़ा वो मनाया जा रहा है। कैमरा परसन रोही दे नाल सनी चोपड़ा लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब फिरोजपुर। विश्व भर के होली का त्यौहार मनाया जा रहा है तो पंजाब के जिला फिरोजपुर की होली का त्यौहार तुम दिखा देना चाहते हैं कि बच्चे जोड़ा वो भंगड़ा पा रहे हैं तो होली का त्यौहार जोड़ा वो मनाया जा रहा है। तस्वीर देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे जोड़ा एक दूसरे के उपर रंग लगा के तो होली का त्यौहार जोड़ा वो मनाया जा रहा है। तो तस्वीर देख सकते हो कि कितनी खुशी जी है बच्चे के बच्चे जोड़े है रंग एक दूसरे के उपर लगा रहे हैं तो होली का त्यौहार जोड़ा वो मनाया जा रहा है। पचकारियां फड़िया हुई हैं तो होली का त्यौहार मना रहे हैं, गलबात करते हैं कि देखते हो अच्छ होली का त्यौहार मनाया जा रहा फिरोजपुर की कहना चाहते हो?
देखो ये ना इतिहासिक त्यौहार है, ये बड़े ही प्यार दे नाल मनाया जाता है। ये थोड़ा जा जो पुराने रंग आने कारण ये बड़ा ही थोड़ा पिछड़े हो चला गया है रंग। ये त्यौहार प्यार भरया है, मैं चाहिए सारे लोगों को प्यार भरया त्यौहार मनाना चाहिए और मिलजुल के त्यौहार मनाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है। बिल्कुल त्यौहार मनाया जा रहा है, तो तस्वीर तुम देख सकते है वो तो होर गलबात कर लेने है। सर अज होली का त्यौहार मनाया जा रहा, खुशियां वाला त्यौहार होंगे, की कहना चाहते हो? चोपड़ा साहब बहुत ही खुशी भरी गल है कि अज तो होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार एवं मिलता एवं मनाते रहिए आपस, बहुत ही इनके प्यार के प्रतीक आपने कर छोटे छोटे बच्चे होली का त्यौहार मना रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत इंजॉय कर रहे छोटे बच्चों तो ज़्यादा क्रेज अजकल, अपना भी टाइम होता सी हूँ, अज इन्ह का बहुत ही मना रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी होली का त्यौहार मना रहे हैं, तस्वीर ऐसी दिखाई है फिरोजपुर ढोल बजाए जा रहे तो होली का जोड़ा वो मनाया जा रहा है। कैमरा परसन रोही के नाल सनी चोपड़ा, लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब, फिरोजपुर। विश्व भर के होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो पंजाब के जिला फिरोजपुर की होली का त्यौहार तुम दिखा देना चाहते हैं कि बच्चे जोड़ा है वो भंगड़ा पा रहे हैं, तो होली का त्यौहार जोड़ा वो मनाया जा रहा है। तस्वीर तुम देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे जोड़ा है एक दूसरे के उपर रंग लगा के तो होली का त्यौहार जोड़ा वो मनाया जा रहा है। तो तस्वीर तुम देख सकते हो कि कितनी खुशी जी है बच्चे के बच्चे जोड़े है रंग एक दूसरे के उपर लगा रहे हैं, तो होली का त्यौहार जोड़ा वो मनाया जा रहा है। जी पचकारियां फड़ी हुई हैं तो होली का त्यौहार मना रहे हैं, गलबात करते हैं चाहिए सारे लोगों को प्यार भरया त्यौहार मनाना चाहिए और मिलजुल के त्यौहार मनाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है। बिल्कुल त्यौहार मनाया जा रहा है, तो तस्वीर तुम देख सकते है वो तो होर गलबात कर लेने है। सर अज होली का त्यौहार मनाया जा रहा, खुशियां वाला त्यौहार होंगे, की कहना चाहते हो? चोपड़ा साहब बहुत ही खुशी भरी गल है कि अज तो होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार एवं मिलता एवं मनाते रहिए आपस, बहुत ही इनके प्यार के प्रतीक आपने कर छोटे छोटे बच्चे होली का त्यौहार मना रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत इंजॉय कर रहे छोटे बच्चों तो ज़्यादा क्रेज अजकल, अपना भी टाइम होता सी हूँ, अज इन्ह का बहुत ही मना रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी होली का त्यौहार मना रहे हैं, तस्वीर ऐसी दिखाई है फिरोजपुर ढोल बजाए जा रहे तो होली का जोड़ा वो मनाया जा रहा है। कैमरा परसन रोही के नाल सनी चोपड़ा, लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब, फिरोजपुर। विश्व भर के होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो पंजाब के जिला फिरोजपुर की होली का त्यौहार तुम दिखा देना चाहते हैं कि बच्चे जोड़ा वो भंगड़ा पा रहे हैं, तो होली का त्यौहार जोड़ा वो मनाया जा रहा है। तस्वीर तुम देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे जोड़ा एक दूसरे के उपर रंग लगा के तो होली का त्यौहार जोड़ा वो मनाया जा रहा है। तो तस्वीर तुम देख सकते हो कि कितनी खुशी जी है बच्चे के बच्चे है, तो बच्चे जोड़े है रंग एक दूसरे के उपर लगा रहे हैं, तो होली का त्यौहार जोड़ा वो मनाया जा रहा है। जी पचकारियां फड़ी हुई हैं तो होली का त्यौहार मना रहे हैं, गलबात करते हैं चाहिए सारे लोगों को प्यार भरया त्यौहार मनाना चाहिए और मिलजुल के त्यौहार मनाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है। बिल्कुल त्यौहार मनाया जा रहा है, तो तस्वीर तुम देख सकते है वो तो होर गलबात कर लेने है। सर अज होली का त्यौहार मनाया जा रहा, खुशियां वाला त्यौहार होंगे, की कहना चाहते हो? चोपड़ा साहब बहुत ही खुशी भरी गल है कि अज तो होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार एवं मिलता एवं मनाते रहिए आपस,
बहुत ही इन्हें प्यार के प्रतीक आपां पुराने घर छोटे छोटे बच्चे होली का त्यौहार मना रहे हैं। हाँ जी हाँ जी बहुत इंजॉय कर रहे छोटे बच्चों का ज़्यादा क्रेज अजकल अपना भी टाइम होता सी हूँ अज इन्हों का बहुत ही मना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी होली का त्यौहार मना रहे हैं, तस्वीर ऐसी दिखाई है फिरोजपुर ढोल बजाए जा रहे तो होली का जोड़ा है वो मनाया जा रहा है। कैमरा परसन रोही के नाल सनी चोपड़ा, लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब, फिरोजपुर। विश्व भर के होली का त्यौहार मनाया जा रहा है तो पंजाब के जिला फिरोजपुर की होली का त्यौहार तुम दिखा देना चाहते हैं कि बच्चे जोड़ा वो भंगड़ा पा रहे हैं तो होली का त्यौहार जो मनाया जा रहा है। तस्वीर देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे जोड़ा एक दूसरे के उपर रंग लगा के तो होली का त्यौहार जोड़ा मनाया जा रहा है। तो तस्वीर देख सकते हो कि कितनी खुशी जी है बच्चे के बच्चे जोड़ा रंग एक दूसरे के उपर लगा रहे हैं तो होली का त्यौहार जोड़ा वो मनाया जा रहा है। जिनकारियाँ फलिया हुई हैं तो होली का त्यौहार मना रहे हैं। गलबात करते हैं देखो जी ये इतिहासिक त्यौहार है, ये बड़े ही प्यार दे नाल मनाया जाता है। ये थोड़ा जो पुराने रंग आने कारण ये बड़ा ही थोड़ा पिछड़े और चला गया रंग, ये त्यौहार प्यार भरिया है। मैं चाहिए सारे लोगों प्यार भरिया त्यौहार मनाना चाहिए और मिलजुल के त्यौहार मनाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है। तो बिल्कुल त्यौहार मनाया जा रहा है तो तस्वीर तुम देख सकते है तो होर गलबात कर लेने हैं। सर आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा खुशियां वाला त्यौहार होंगे कि कहना चाहते हो? चोपड़ा साहब बहुत ही खुशी भरी गल है कि अज तो होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार एवं मिलता एवं मनाते रहिए आपस बहुत ही इन्हें प्यार के प्रतीक आपां पुराने घर छोटे छोटे बच्चे होली का त्यौहार मना रहे हैं। हाँ जी हाँ जी बहुत इंजॉय कर रहे छोटे बच्चों का ज़्यादा क्रेज अजकल अपना भी टाइम होता सी हूँ अज इन्हों का बहुत ही मना रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी होली का त्यौहार मना रहे हैं। तस्वीर ऐसी दिखाई है फिरोजपुर ढोल बजाए जा रहे तो होली का जोड़ा है वो मनाया जा रहा है। कैमरा परसन रोही के नाल सनी चोपड़ा, लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब, फिरोजपुर। विश्व भर के होली का त्यौहार मनाया जा रहा है तो पंजाब के जिला फिरोजपुर की होली का त्यौहार तुम दिखा देना चाहते हैं कि बच्चे जोड़ा वो भंगड़ा पा रहे हैं तो होली का त्यौहार जोड़ा मनाया जा रहा है। तस्वीर तुम देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे जोड़ा एक दूसरे के उपर रंग लगा के तो होली का त्यौहार जोड़ा मनाया जा रहा है। तो तस्वीर तुम देख सकते हो कि कितनी खुशी जी है बच्चों के बच्चे जोड़ा रंग एक दूसरे के उपर लगा रहे हैं तो होली का त्यौहार जोड़ा मनाया जा रहा है। जिनकारियाँ फलिया हुई हैं तो होली का त्यौहार मना रहे हैं। गलबात करते हैं देखो जी ये इतिहासिक त्यौहार है, ये बड़े ही प्यार दे नाल मनाया जाता है। ये थोड़ा जो पुराने रंग आने कारण ये बड़ा ही थोड़ा पिछड़े और चला गया रंग, ये त्यौहार प्यार भरिया है। मैं चाहिए सारे लोगों प्यार भरिया त्यौहार मनाना चाहिए और मिलजुल के त्यौहार मनाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है। तो बिल्कुल त्यौहार मनाया जा रहा है तो तस्वीर तुम देख सकते है तो होर गलबात कर लेने हैं। सर आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा खुशियां वाला त्यौहार होंगे कि कहना चाहते हो? चोपड़ा साहब बहुत ही खुशी भरी गल है कि अज तो होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार एवं मिलता एवं मनाते रहिए आपस बहुत ही इन्हें प्यार के प्रतीक आपां पुराने घर छोटे छोटे बच्चे होली का त्यौहार मना रहे हैं। हाँ जी हाँ जी बहुत इंजॉय कर रहे छोटे बच्चों का ज़्यादा क्रेज अजकल अपना भी टाइम होता सी हूँ अज इन्हों का बहुत ही मना रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी होली का त्यौहार मना रहे हैं। तस्वीर ऐसी दिखाई है फिरोजपुर ढोल बजाए जा रहे तो होली का जोड़ा वो मनाया जा रहा है। कैमरा परसन रोही के नाल सनी चोपड़ा, लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब, फिरोजपुर।
विश्व भर के होली का त्यौहार मनाया जा रहा है तो पंजाब के जिला फिरोजपुर की होली का त्यौहार तुम दिखा देना चाहते हैं कि बच्चे जोड़ा वो भंगड़ा पा रहे हैं ने ता होली का त्यौहार जोड़ा वो मनाया जा रहा है। तस्वीर तुम देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे जोड़ा एक दूसरे के उपर रंग लगा के तो होली का त्यौहार जोड़ा मनाया जा रहा है। तो तस्वीर तुम देख सकते हो कि कितनी खुशी जी बच्चों के बच्चे जोड़े है रंग एक दूसरे के उपर लगा रहे हैं तो होली का त्यौहार जोड़ा वो मनाया जा रहा है। जिनकारियां फड़िया हुई ने तो होली का त्यौहार मना रहे हैं गलबात करते हैं किमें देखते हो अब होली का त्यौहार मनाया जा रहा फिरोजपुर की कहना चाहते हो। देखो ये तो इतिहासिक त्यौहार है ये बड़े ही प्यार मनाया जाता है ये थोड़ा जहा जो पुराने रंग आने कारण ये बड़ा ही थोड़ा पिछड़े और चला गया रंग ये त्यार प्यार भरया है। मैं चाहिए सारे लोगों प्यार भरया त्यार मनाना चाहिए और मिलजुल के त्यार मनाना चाहिए ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है। तो बिल्कुल त्यौहार मनाया जा रहा है तो तस्वीर तुम देख सकते है तो होर गलबात कर लेने हैं सर अज होली का त्यौहार मनाया जा रहा खुशियां वाला त्यौहार होंगे की कहना चाहते हो। चोपड़ा साहब बहुत ही खुशी भरी गल है कि अज तो होली का त्यौहार मनाया जा रहा है ये त्यौहार एवं मिलता एवं मनाते रहिए आपस बहुत ही इन प्यार के प्रतीक अपना पुराने कर छोटे छोटे बच्चे होली का त्यौहार मना रहे हैं। हाँ जी हाँ जी बहुत इंजॉय कर रहे छोटे बच्चों तो ज़्यादा क्रेज अजकल अपना भी टाइम होंगे सी हूँ अज इन्हों बहुत ही मना रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी होली का त्यौहार मना रहे हैं तस्वीर ऐसी दिखाई है फिरोजपुर दी ढोल बजाए जा रहे तो होली का जोड़ा वो मनाया जा रहा है। कैमरा परसन रोही के नाल सनी चोपड़ा लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब फिरोजपुर। भर के होली का त्यौहार मनाया जा रहा है तो पंजाब के जिला फिरोजपुर की होली का त्यौहार तुम दिखा देना चाहते हैं कि बच्चे जोड़ा वो भंगड़ा पा रहे हैं तो होली का त्यौहार जोड़ा वो मनाया जा रहा है। तस्वीर तुम देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे जोड़ा एक दूसरे के उपर रंग लगा के तो होली का त्यौहार जोड़ा मनाया जा रहा है। तो तस्वीर तुम देख सकते हो कि कितनी खुशी जी बच्चों के बच्चे बच्चे जोड़े है रंग एक दूसरे के उपर लगा रहे हैं तो होली का त्यौहार जोड़ा वो मनाया जा रहा है। जिनकारियां फड़िया हुई ने तो होली का त्यौहार मना रहे हैं गलबात करते हैं किमें देखते हो अब होली का त्यौहार मनाया जा रहा फिरोजपुर की कहना चाहते हो। देखो ये तो इतिहासिक त्यौहार है ये बड़े ही प्यार मनाया जाता है ये थोड़ा जहा जो पुराने रंग आने कारण ये बड़ा ही थोड़ा पिछड़े और चला गया रंग ये त्यार प्यार भरया है। मैं चाहिए सारे लोगों प्यार भरया त्यार मनाना चाहिए और मिलजुल के त्यार मनाना चाहिए ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है। तो बिल्कुल त्यौहार मनाया जा रहा है तो तस्वीर तुम देख सकते है तो होर गलबात कर लेने हैं सर अज होली का त्यौहार मनाया जा रहा खुशियां वाला त्यौहार होंगे की कहना चाहते हो। चोपड़ा साहब बहुत ही खुशी भरी गल है कि अज तो होली का त्यौहार मनाया जा रहा है ये त्यौहार एवं मिलता एवं मनाते रहिए आपस बहुत ही इन प्यार के प्रतीक अपना पुराने कर छोटे छोटे बच्चे होली का त्यौहार मना रहे हैं। हाँ जी हाँ जी बहुत इंजॉय कर रहे छोटे बच्चों तो ज़्यादा क्रेज अजकल अपना भी टाइम होंगे सी हूँ अज इन्हों बहुत ही मना रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी होली का त्यौहार मना रहे हैं तस्वीर ऐसी दिखाई है फिरोजपुर दी ढोल बजाए जा रहे तो होली का जोड़ा वो मनाया जा रहा है। कैमरा परसन रोही के नाल सनी चोपड़ा लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब फिरोजपुर। ने उन्होंने घर तुम देख सकते हो खुशियां भरे माहौल है और रंगा के नाल एक दूजे उपर रंग सुटे जा रहे हैं खुशियां भरे माहौल है और भंगड़े पा के गिद्धे भंगड़े पा के होली का त्यौहार है जोड़ा मनाया जा रहा और तुम देख सकते हो कि खुशी वाला माहौल है देखने को मिल रहा है। तो जिते पंजाब के आम आदमी पार्टी की बहुमत सरकार बनी उत्थे ही भंगड़े पा के अज नीना मित्तल के घर में खुशियां भरे माहौल है गलबात करनी चाहवांगे मैडम नीना मित्तल नाल। मैडम की कहना चाहते हो अज जितने तो बाद पहली होली मना रहे अज कल सब तो पहला तो मैं पूरे पंजाब नूं पूरे भारत नूं
और विदेशों में बसते भारतीयों को होली दी लख लख मुबारक दिनी हाँ। तो अज एक ऐसा दिन है जिते हर खुशियां का भरिया दिन है। अज ये साड़ी सारी आम आदमी पार्टी की टीम खुशियां मना रही है, जित दियां भी खुशियां ते होली दियां भी खुशियां। इस तरह देखते हो क्योंकि अज पहली होली है, क्योंकि अज पहली बार पंजाब दी सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की और होली मना रहे हैं, किन्ना माहौल खुशियां भरा है? बहुत खुशियां भरा दिन है अज, तो पंजाब विच सरकार बनी है तो ये पंजाब नूं एक बखरी खुशी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों की अपनी सरकार है, तो वह खुशियां अज तुहानूं इत्थे दिख रही हैं। अज पूरे पंजाब विच ही हर थां ये जशन मनाए जा रहे हैं। ऑरगेनिक रंगां नाल मनाई जा रही होली है, कैमिकल तो आपां दूर हाँ, किस तरह ना लोगों को सुनेहा देना चाहिए? नहीं, असं यही सुनेहा दिता है कि कैमिकल तो बच के रहो, ऑरगेनिक कलर नाल करो। पहला फुलों की होली खेडी है, हुण ऑरगेनिक कलर है और सुके कलर है। असी होली बना के एक दूजे नाल प्यार बधाना है, ना कि किसी लिए परेशानियां बधानी। करप्शन लिए भगवंत मान जी ने कहा है कि नवा नंबर जारी करांगे, किस तरह का माहौल है लोगों च विचर रहे हो, की लोगों वालों कहा जा रहा है? नहीं, लोग बड़े खुश है, लोग कहते हैं जी आम आदमी पार्टी एक्शन च आ गई है, क्योंकि लोग बड़े परेशान से, हर पास करप्शन सी, तो हुण लोगों ने एक जिदन की आम आदमी पार्टी की सरकार है, लोग ये कहते हैं जी अज असी खुल के सह लेना शुरू कर दिता है। सो किस तरह देखते हो जी अज मैडम नीना मित्तल होली ना खेड रहे हो, आम लोगों वांगू होली खेड रहे हो, कभी देखे सीगा इस तरह कभी विधायक किसी MLA ऐसा होली खेड दे? बिल्कुल जी, असं तो सपने च भी नहीं सोचा से असी भैन नीना मित्तल नूं MLA बनावांगे ते उन्हां नाल इन्ने वधिया तरीके नाल होली मनावांगे जी। की कहना चाहते हो जी अज होली दा त्यौहार? साढ़े लिए यादगार होली है जिहड़ी असी MLA नाल मना रहे हैं। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ MLA ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਮਨਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਭਰਿਆ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬਹੁਮਤਨ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਨ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ 'ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਹੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ ਹੋਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰਗੈਨਿਕ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਲੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਲਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਲਰ ਹੈ ਔਰ ਸੁੱਕੇ ਕਲਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਹੋਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਇੱਦਾਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਮਨਾ ਸਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੰਗਾ ਭਰਿਆ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗਾ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬਹੁਮਤ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਸ ਸਨ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ 'ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾਪਰਸਨ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੋ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ ਹੋਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਲਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਹੁਣ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਲਰ ਹੈ ਔਰ ਸੁੱਕੇ ਕਲਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਹੋਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਇੱਦਾਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਮਨਾ ਸਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੰਗਾ ਭਰਿਆ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗਾ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
सब तो पहला तो सारे पंजाब वासियों तो राजपुरा वासियों होली दी शुभकामनावां। होली दे रंगा वांगी पंजाब वासियों का राजपुरे वासियों का जीवन हरा भरा रंग भरिया करांगे। सुरेशन मैडम नीना मित्तल जिहड़े उन्होंने घर में अज होली का त्यौहार खुशियां नाल मनाया जा रहा और रंग बिरंगे तुसीं देख सकते हो कि पटाकियां दे जिहड़े ने ओह वी इत्थे वजाए जा रहे हैं और ढोल दे डगे ते भंगड़े पा के खुशी मनाई जा रही है और विधायकां दे घर विच उन्हां दे वर्कर ने भंगड़े पा के होली दे त्यौहार दा जिथे जित दी खुशी मना रहे हैं। उत्थे आम आदमी पार्टी दी पंजाब दे विच सरकार बनते वह भी खुशी मनाई जा रही है। कैमरा पर्सन मोहित कुमार दे नाल दया सिंह राजपुरा। सो अज होली दा त्यौहार देश विदेश दे विच खुशियां भरिया माहौल लैके आया और वख वख तरह तरीके नाल जिहड़ी होली मनाई जा रही है उत्थे ही पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार बहुमत नाल जितण तों बाद आम आदमी पार्टी दे विधायकां नीना मित्तल हलका राजपुरा तों विधायकां ने उन्हां दे घर तुसीं देख सकते हो खुशियां भरिया माहौल है और रंगां दे नाल इक दूजे नूं एक दूजे उपर रंग सुट्टे जा रहे हैं। खुशियां भरिया माहौल है और भंगड़े पा के गिद्धे भंगड़े पा के होली का त्यौहार है जिहड़ा मनाया जा रहा और तुसीं देख सकते हो कि खुशी वाला माहौल है देखण नूं मिल रहा है। तो जिथे पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की बहुमत की सरकार बनी उत्थे ही भंगड़े पा के अज नीना मित्तल के घर में खुशियां भरिया माहौल है। गलबात करनी चाहवांगे मैडम नीना मित्तल नाल, मैडम की कहना चाहते हो अज जितने बाद पहली होली मना रहे हो? अज पहल सब तो पहला तो मैं पूरे पंजाब नूं, पूरे भारत नूं और विदेशों में बसते भारतीयों नूं होली दी लख लख मुबारक दिंदी हां। तो अज एक ऐसा दिन है जिते हर खुशियां का भरिया दिन है। अज साडी सारी आम आदमी पार्टी की टीम खुशियां मना रही है, जित दियां भी खुशियां ते होली दियां भी खुशियां। इस तरह देखदे हो क्योंकि अज पहली होली है, क्योंकि अज पहली बार पंजाब दी सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की और होली मना रहे हैं, किन्ना कु माहौल खुशी भरा? बहुत खुशियां भरा दिन है अज। तो पंजाब विच सरकार बनी है तो ये पंजाब नूं एक वक्री खुशी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों की अपनी सरकार है तो वह खुशियां अज तुहानूं इत्थे दिख रही हैं। अज पूरे पंजाब विच ही हर थां इह जशन मनाई जा रहे हैं। ऑरगेनिक रंगां नाल मनाई जा रही होली, कैमिकल तो आपां दूर हाँ, किस तरह नाल लोगों नूं कुछ संदेश देना चाहुंगे? नहीं, असीं यही संदेश दिता है कि कैमिकल तो बच के रहो, ऑरगेनिक कलर नाल करो। पहला फुलां की होली खेडी है, हुण ऑरगेनिक कलर है और सुके कलर है। असी होली बना के एक दूजे नाल प्यार बधाना है, ना कि किसी लिए परेशानियां बधानी। करप्शन लिए भगवंत मान जी ने कहा है कि नवा नंबर जारी करांगे, किस तरह का माहौल है लोगों में विचर रहे हो, की लोगों वालों कहा जा रहा है? नहीं, लोग बड़े खुश है। लोग कहते हैं जी आम आदमी पार्टी एक्शन च आ गई है, क्योंकि लोग बड़े परेशान से, हर पास करप्शन सी, तो हुण लोगों ने एक जिद्दण दी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लोग ये कहते हैं जी अज असी खुल के सह लेना शुरू कर दिता है। सो किस तरह देखते हो जी अज मैडम नीना मित्तल होली ना खेड रहे हो, आम लोगों वांगू होली खेड रहे हो? कभी देखे सीगा इस तरह कभी विधायक किसी एम एल एदा होली खेडते? बिल्कुल जी, असं तो सपने च भी नहीं सोचा भैन नीना मित्तल एम एल ए बनावे तो उन्होंने इन्ने वधिया तरीके होली मनावे जी। की कहना चाहते हो जी अज होली का त्यौहार? साडे लई इह यादगार होली है जिहड़ी असीं एम एल ए नाल मना रहे हैं। सानू असी विश्वास भी नहीं कर सकते सी भी यह भी दिन आएगा साडी लाइफ दे विच कि असी एक एम एल ए नाल होली मना सकांगे। एक होली दा त्यौहार है, दूजी जित दी खुशी विच भी है। जी बिल्कुल जी, बहुत ही रंगा भरिया त्यौहार है, असी पंजाब नूं भी रंगा भरिया बनाना चाहुंदे हां। की कहना चाहुंदे हो जी अज होली मना रहे हो? सब तो पहला तो होली दे सारे पंजाबियों नूं बहुत बहुत मुबारकां। देखो जिवें होली दे रंगां दी तरह साडी आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों के जीवन के खुशियां लेके आएगी, तरक्की लेके आएगी और उन्होंने जो सुपने उन्हें देखे आम आदमी पार्टी दी सरकार बना के वो सारे पूरे करांगे। मैं तो यही कहना कहना सारे पंजाब वालों को कि तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं सानूं इन्ने बहुमत जिताया हैगा, असीं तुहाडी उम्मीदां उत्ते पूरा खरे उतरांगे। किन्नी खुशी है जी? बहुत ज़्यादा खुशी है जी। जिवें सब तो पहला तो सारे पंजाब वासियों तो राजपुरा वासियों होली दीआं शुभकामनावां। होली दे रंगां वांगी पंजाब वासियों का राजपुरे वासियों का जीवन हरा भरा रंग भरिया करांगे। सुरेशन मैडम नीना मित्तल जिहड़े उन्होंने घर में अज होली का त्यौहार खुशियां नाल मनाया जा रहा और रंग बिरंगे तुसीं देख सकते हो कि पटाकियां दे जिहड़े ने ओह वी इत्थे वजाए जा रहे हैं और ढोल दे डगे ते भंगड़े पा के खुशी मनाई जा रही है और विधायकां दे घर में उन्होंने वर्कर ने भंगड़े पा के होली दे त्यौहार दा जिथे जित दी खुशी मना रहे हैं। उत्थे आम आदमी पार्टी की पंजाब दे विच सरकार बनते वह भी खुशी मनाई जा रही है। कैमरा पर्सन मोहित कुमार दे नाल दया सिंह राजपुरा। सो अज होली का त्यौहार देश विदेश दे विच खुशियां भरिया माहौल लैके आया और वख वख तरह तरीके नाल जिहड़ी होली मनाई जा रही है उत्थे ही पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बहुमत नाल जितण तों बाद आम आदमी पार्टी के विधायकां नीना मित्तल हलका राजपुरा तों विधायकां ने उन्हां दे घर तुसीं देख सकते हो खुशियां भरिया माहौल है और रंगां दे नाल एक दूजे उपर रंग सुट्टे जा रहे हैं। खुशियां भरिया माहौल है और भंगड़े पा के गिद्धे भंगड़े पा के होली का त्यौहार है जिहड़ा मनाया जा रहा और तुसीं देख सकते हो कि खुशी वाला माहौल है देखण नूं मिल रहा है। तो जिथे पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की बहुमत की सरकार बनी उत्थे ही भंगड़े पा के अज नीना मित्तल के घर में खुशियां भरिया माहौल है। गलबात करनी चाहवांगे मैडम नीना मित्तल नाल, मैडम की कहना चाहते हो अज जितने तो बाद पहली होली मना रहे हो?
अज पहल सब तो पहला तो मैं पूरे पंजाब नू पूरे भारत नू और विदेशों में बसते भारतीयों नू होली दी लख लख मुबारक लैके मीटिंग चल रही है। एक वड्डी अपडेट उहदे तो आ रही है। थोड़ी देर पहला सरबजीत कौर माणुके का नाम स्पीकर नू लैके अगे चल रहा सी, पर इस वेले एक वड्डी खबर है कि कुलतार संधवा स्पीकर होणगे पंजाब विधानसभा दे। सूत्रां दे हवाले तो वड्डी खबर है, इस वेले दी सब तो वड्डी खबर कुलतार संधवा पंजाब विधानसभा दे स्पीकर होणगे। मंथन लगातार चल रहा है, पहले कैबिनेट दे विच दो नाम होर जुड़ गए ने। जो चर्चा थोड़ी देर पहला असीं कर रहे सी उस दे विच दो नाम होर जुड़ गए ने। ज़्यादातर MLA चंडीगढ़ पहुँच चुके हैं, मीटिंग चल रही है। सो फुल फ्रेम वड्डी खबर कुलतार संधवा पंजाब विधानसभा दे स्पीकर होणगे। तो सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर है, कुलतार संधवा पंजाब विधानसभा के स्पीकर होणगे। पल पल की अपडेट लगातार थोड़े तक पहुँचा रहे हैं। कोटकपूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी तो MLA ने और कुलतार संधवा नू पार्टी विधानसभा का स्पीकर बनाने जा रही है। तो विधानसभा स्पीकर नू लेके लगातार तीन नाम लगातार चर्चा, प्रोफेसर बलजिंदर कौर कुलतार संधवा से सरबजीत कौर माणुके। सो इस वेले जो एक वड्डी खबर आ रही है, कुलतार सिंह संधवा पंजाब विधानसभा के स्पीकर होणगे। पार्टी ने लगभग तय कर लिए, औपचारिक ऐलान थोड़ी देर तक हो जाएगा। कुलतार सिंह संधवा कोटकपूरा तो आम आदमी पार्टी के MLA ने दूजी बार इलेक्शन जीत के पहुंचे ने। सो कुलतार सिंह संधवा पंजाब विधानसभा के स्पीकर हो सकते हैं, सोर्सिस तो जानकारी है कि होणगे और ये सवेरे चोण विधानसभा के विच हो जाएगी। सो MLA ने अपना स्पीकर चुनना एक वड्डी खबर लगातार थोड़े तक पहुँचा रहे हैं। कुलतार संधवा के नाम को लेकर सहमति बढ़ चुकी है पार्टी के विच। वड्डी खबर कुलतार संधवा पंजाब विधानसभा के स्पीकर होणगे। एक वड्डा फैसला पार्टी वालों लिया गया है, थोड़ी देर तक इहदा रस्मी तौर पर ऐलान हो जाएगा। सो चुक समागम भलके रखा गया कैबिनेट का, पर उस तो पहला एक वड्डी खबर कुलतार सिंह संधवा पंजाब विधानसभा के स्पीकर होणगे। एक वड्डी जिम्मेवारी पार्टी वालों देने की तैयारी कर रही गई है। कुलतार सिंह संधवा स्पीकर होणगे जो जानकारी इस वेले निकल के आ रही है, क्योंकि इस वेले भी मोहाली में लगातार एक मीटिंग विधायकों की चल रही है। मुख्यमंत्री भी मौजूद ने, जो जानकारी निकल के आ रही है। पुलिस अफसरों नाल पहला मीटिंग की गई थी, कुछ अफसरों नाल मीटिंग की गई थी, वेणु भी उत्ते मौजूद सके, पर जो जानकारी है कि हुण विधायकों नाल मीटिंग शुरू हो चुकी है। लगातार उस उत्ते मंथन किया जा रहा है कि कल किहड़े चेहरे कैबिनेट के विच शामिल किए जाने ने, पर सब तो पहला नाम सामने आया सरबजीत कौर माणुके का। हालांकि उसको लेकर लगातार कई तरह दी चर्चावां हुई, पर एक वड्डी खबर इस वेले आ रही है कि कुलतार सिंह संधवा पार्टी के स्पीकर होणगे, यानी कि सॉरी विधानसभा के स्पीकर होणगे। कुलतार सिंह संधवा के नाते पार्टी वालों लगभग विधायकों वालों सहमति जता दी गई है और कल विधानसभा के विच चोण होनी है। सो वड्डी खबर लगातार थोड़े तक पहुंचा रहे हैं, कुलतार सिंह संधवा विधानसभा के स्पीकर होणगे। सूत्रों के हवाले तो एक वड्डी खबर है कि पार्टी वालों फैसला ले लिया गया, रस्मी तौर पर ऐलान होना थोड़ी देर तक बाकी हो जाएगा, पर एक वड्डा फैसला, क्योंकि तीन नाम लगातार स्पीकर नू लेके अगे चल रहे थे, जिन्हां च कुलतार सिंह संधवा सरबजीत कौर माणुके ते प्रोफेसर बलजिंदर कौर, और इसे विचकार एक वड्डी खबर है कि कुलतार सिंह संधवा नू पार्टी स्पीकर लगाउण जा रही है। सो यह ग्राफिक्स राही वेखो, स्पीकर कुलतार संधवा ते डिप्टी स्पीकर मनजीत सिंह बिलासपुर, एक कितना कितने एक वड्डे समीकरण के तौर पर वेख्या जा रहा है। कुलतार संधवा स्पीकर ते मनजीत सिंह बिलासपुर डिप्टी स्पीकर, यानी कि सहमति कितना कितने नामों पर बढ़ चुकी है। थोड़ी देर तक कैबिनेट के भी बाकी नाम सामने आ जाएंगे कि कौन कौन कैबिनेट के भलके शामिल होकर हल्फ लै रहे हैं। तो संभावित स्पीकर ते डिप्टी स्पीकर लगातार थोड़े तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि कुलतार सिंह संधवा पंजाब विधानसभा के स्पीकर होणगे। मनजीत सिंह बिलासपुर डिप्टी स्पीकर, इन्हां दे नाम नूं लैके लगभग तय हो चुके हैं। मनजीत सिंह बिलासपुर का स्पीकर के नाम नूं लैके तीन नाम लगातार चल रहे थे, कुलतार संधवा सरबजीत कौर माणुके ते प्रोफेसर बलजिंदर कौर, और इसे विचकार एक वड्डी खबर आ चुकी है
कि कुलतार सिंह संधवा पंजाब विधानसभा के स्पीकर होंगे। सोर्सिस तो जानकारी आ रही है कि स्पीकर नूं लैके कुलतार सिंह संधवा के नाते सहमति बन चुकी है। हुण कैबिनेट मंत्रियों केड़ा नवा नाम शामिल किया जाएगा, चूंकि असी लगातार कैबिनेट की गल कर रहे थी, टीम भगवंत मान की गल कर रहे हैं, हरपाल चीमा, अमन अरोड़ा, कुलतार संधवा, बलजिंदर कौर, प्रिंसीपल बुदना, मीत थेयर, नवे चेड़े के रहे होंगे, सरबजीत कौर माणुके, मनजीत सिंह बिलासपुर, यह सारी टीम, इन्हां चो दो दे नाम स्पीकर डिप्टी स्पीकर नूं लैके तय हो चुके ने। कुलतार संधवा स्पीकर, मनजीत सिंह बिलासपुर डिप्टी स्पीकर। थोड़ी देर तक कैबिनेट के बाकी चेहरों के नाम भी एक एक करके सामने आएंगे कि आखिरकार कौन कौन वह चेहरा जिहड़ा कि कैबिनेट के शामिल होने जा रहे हैं। तो संभावत स्पीकर डिप्टी स्पीकर लगातार थोड़े तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। कुलतार सिंह संधवा के नाते सहमति बन चुकी है। स्पीकर होंगे कोटकपुरा तो विधायक ने कुलतार संधवा, जिहड़े कि एक वड्डी जिम्मेवारी निभाएंगे। लगातार दूजी बार विधायक बन के आए हैं संधवा। पार्टी वालों एक वड्डी जिम्मेवारी असी कह सकते हैं कि देने की तैयारी हो चुकी है। कुलतार संधवा के नाम सहमति मिल चुकी है, सहमति बन चुकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कुलतार सिंह संधवा विधानसभा के स्पीकर होंगे। वड्डी खबर लगातार थोड़े तक पहुंचा रहे हैं। कुलतार सिंह संधवा ते डिप्टी स्पीकर मनजीत सिंह बिलासपुर, ये दो चेहरे जिन्हां दे नाते सहमति बन चुकी है। कैबिनेट के चेहरे हौली हौली सामने आ रहे हैं कि आखिरकार 10 चेहरों की कैबिनेट होएगी या 8 चेहरों की, पर छोटी कैबिनेट रखने की संभावना ज़्यादा है कि शायद छोटी कैबिनेट राही फिलहाल मान जिहड़े ने काम करनगे। तो पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार संधवा बन सकते हैं, इस वेले वड्डी खबर लगातार थोड़े तक पहुंचा रहे हैं। संधवा के नाते सहमति बन चुकी है, थोड़ी देर तक रस्मी तौर पर ऐलान हो जाएगा। मनजीत सिंह बिलासपुर डिप्टी स्पीकर होंगे। तो पल पल की अपडेट लगातार थोड़े तक पहुंचा रहे हैं। इस वेले की वड्डी खबर कुलतार संधवा के नाते सहमति बन चुकी है। इस वेले की सब तो वड्डी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इस वेले की कुलतार संधवा पंजाब विधानसभा के स्पीकर होंगे। तो पहला कैबिनेट मंत्री नूं लैके चर्चावां सीगियां कि कैबिनेट दे विच शामिल किया जाएगा, एक वड्डा महकमा दिता जाएगा, पर हुण जानकारी है कि स्पीकर होणगे कुलतार संधवा। तो पहला कैबिनेट मंत्री लई नाम चल रहा सी, ते हुण एक वड्डी खबर कि पंजाब विधानसभा दे स्पीकर होणगे कुलतार सिंह संधवा। नाम ते फैसला हो चुके है, रस्मी तौर ते ऐलान होना बाकी है, थोड़ी देर तक ऐलान होएगा। तो कुलतार सिंह संधवा नूं लैके एक वड्डी खबर, इस वेले कुलतार सिंह संधवा स्पीकर होणगे। सो कुलतार संधवा दे नाम ते सहमति बन चुकी है। सीधा कोटकपूरा कुलतार संधवा दे घर साडे पत्रकार तरसेम जुड़े ने लगातार। तरसे वड्डी जानकारी आ रही है कि स्पीकर हो सकते ने कुलतार सिंह संधवा। जी कुलतार सिंह संधवा जी दे इस टाइम असी पिंड विच उहनां दे जद्दी घर दे विच बैठे हैगे आ। उहनां दे नाल उहनां दे परिवार दे जिहड़े लोग हैगे आ ओह बैठे हैगे आ। उहनां दे दोस्त मित्र इस टाइम इत्थे पहुंच गए हैगे आ। बड़ी वड्डी खुशी दी गल है कि कुलतार सिंह संधवा नूं स्पीकर लगा दिता गया हैगा। उहनां दे नां दी अज सहमति हो गई हैगी है। इस बारे बहुत ही खुशी दी लहर जिहड़ी नजर आ रही है। जी जे लोग हैगे, परिवारक लोग हैगे, तो एक बार जे असी तरसेम गल से कर सके, तुसी उन्हां नाल गल सको कि कुछ इस खबर तो बाद उन्हां दा रिएक्शन है। इस टाइम असी उन्हां दे घरे हैगे, उन्हां दे जिहड़े भाई साहब हैगे वीरेंद्र जी, उन्हां नाल असी गल करनी चाहांगे। उन्हां दे विच परिवार दे विच किस तरह की खुशी पाई जा रही है और की महसूस कर रहे हैगे जिहड़े इस टाइम कुलतार सिंह संधवा जी नूं स्पीकर लगा दिता गया हैगा पंजाब दा। जी बहुत चंगा महसूस हो रहा जी, बहुत वधिया। अपना
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਰਸਿਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਲਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਣਾ ਚੂੰਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਕਤਾਂ ਨੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਣਾ ਦੂਜਾ ਐਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਣਾ ਸੋ ਕਾਸਟ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਾ ਤਰਸੇਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁੱਕੇ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਲਾਦਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਣਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਔਰ ਮਿਨਟਸ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ 'ਚ ਭਰਾਉਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਦਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਰਸੇਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤਰਸੇਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੰਭਾਵਤ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਮਨੋੜਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ
पहले फेज दे विच मीटिंग दे विच सब तो पहला नाम सरबजीत कौर माणुके का आया जिस ते सहमति बनी पर बाद च बहुत सारी चीजों लेकर चर्चा हुई। तो हुण कुलतार संधवा का नाम स्पीकर नूं लैके फाइनल हो चुका है। सो इस करके कैबिनेट दे विच सरबजीत कौर माणुके नूं शामिल किया जाएगा और बलजिंदर कौर डाइसी है पर फिर भी पार्टी का पुराना चेहरा ने दूजी बार जित के आए हैं। सो इस करके असं कह सकते हैं कि एक वड्डी जिम्मेवारी दी जाएगी। प्रिंसीपल बुधराम कैबिनेट शामिल होंगे ते गुरमीत सिंह भी इतर कैबिनेट का हिस्सा होंगे। इस संभावी कैबिनेट है भगवंत मान की टीम मान असी इन कह सकते हैं कि छे पुराने चेहरे कैबिनेट के शामिल किए जाएंगे। दो नवे चेहरे की चर्चा लगातार हो रही है कि दो नवे चेहरे किहड़े होंगे। दो नवे चेहरे ने पहला चेहरा आएगा जीवनजोत कौर का। दो नवे चेहरिया की जो असी गल कर रहे हैं तो वो पहला है डॉक्टर जीवनजोत कौर जो अमृतसर ईस्ट हल्के तो इलेक्शन जीत के पहुंचे ने विधानसभा। दूजा दुआबे तो कोई नवा चेहरा कैबिनेट का हिस्सा होगा। ये ग्राफिक्स राही समझो जीवनजोत कौर कैबिनेट का हिस्सा होंगे। अमृतसर ईस्ट तो इलेक्शन जीते ने नवजोत सिंह सिद्धू तो बिक्रम सिंह मजीठिया इलेक्शन हरा के विधानसभा पहुंचे ने। माझे तो या कह दिए कि अमृतसर तो कुंवर विजय प्रताप तो अलावा इन्हों का नाम चर्चा से पर दोवों चो एक लिया जाता है दोवों लिया जाता है डिपेंड करता है कैबिनेट की स्ट्रेंथ या कैबिनेट की कितनी वड्डी कैबिनेट होगी अठ की होगी या दस जे दस की होंगी है दस लोगों की कैबिनेट होंगी है जेडे दस लोग हलफ लेंगे। सो कुंवर विजय प्रताप तो जीवनजोत कौर और जे अठ जो जानकारी कि अठ की कैबिनेट होगी तो जीवनजोत कौर का नाम फाइनल है। दूजा दुआबे तो नवा चेहरा फर्स्ट टाइमर चूंकि दुआबे फिलहाल की घड़ी गढ़शंकर तो एमएलए जयकिशन सिंह रोड़ी सेकंड टाइमर ने बाकी सारे वो ने जिहड़े पहली बार इलेक्शन जीत के आए हैं पर कुछ चेहरे अजे भी ने जिहड़े कि भावें जितते पहली बार ने पर इलेक्शन पार्टी के सिंबल से लगातार लड़ते आ रहे हैं चाहे 17 की गल करिए 19 की गल करिए या 22 की गल करिए। उन्हां चों एक चेहरा डॉक्टर रवजोत ने शाम 84 तो इलेक्शन जीत के आए हैं उन्होंने नाम की चर्चा दुआबे तो सब तो ज़्यादा चल रही है। जलंधर तो जिन्हें एमएलए जीत के आए हैं सारे फर्स्ट टाइमर ने। कोशिश होएगी पार्टी की कि एसी भाईचारे तो कोई चेहरा दुआबे तो कैबिनेट में शामिल किया जाए और इसे करके असं कह सकते हैं कि कई तरह के समीकरण से पार्टी काम कर रही है। लगातार मीटिंग इस वेले भी चल रही है कैबिनेट को लेकर इस वेले भी चल रही है। सो अजे भी तब्दीलियां नामां कई होणगियां और जिवें जिवें अपडेट आएगा लगातार थोड़े तक पहुँचावे क्योंकि पहला गल सरबजीत कौर माणुके की चल रही थी फाइनल हो गया सी पर इन्हां सारे समीकरणों वेखते हुए कि जो सरबजीत कौर माणुके और मनजीत सिंह बिलासपुर दोहां नूं लाने तो दोवें एसी भाईचारे तो होणगे जो कि शायद पार्टी लई उन्ना चंगा ना होए और दोवें लगभग लगभग नाल नाल लगते इलाकों तो ही आते हैं। सो इस करके थोड़ा जा मालवे नूं तवज्जो जरूर देनी है पर इसे करके थोड़ा जा कास्ट एक्विजिशन भी ध्यान च रखा गया जातिगत समीकरणों और स्पीकर ते कुलतार संधवा ते डिप्टी स्पीकर ते मनजीत सिंह बिलासपुर का नाम फाइनल कर दिता गया सिर्फ ऐलान होना बाकी है। सो कैबिनेट भलके हल्फ लेगी 11 बजे सवेरे राजभवन के सौ चुक समागम रखा गया है। किन्ने कैबिनेट मंत्री होंगे जेड़े सौ चुकणगे ये अपने आप एक बड़ा सवाल बनया होया है। सो अठ या दस मंत्रियों की शपथ होनगियां सौ होनगियां अठ या दस विधायक जो जानकारी निकल के आ रही है कि फिलहाल पहले दौर की कैबिनेट मान कैबिनेट छुट्टी होएगी बहुता ज़्यादा चेहरे दे नहीं होंगे पुराने चेहरों ज़्यादा तवज्जो होएगी जिन्हें हुण चूंकि सरबजीत कौर माणुके स्पीकर के नाँ की रेस चो बाहर कुलतार संधवा का नाम फाइनल हो चुके हैं। सो अजे हरपाल चीमा अमन अरोड़ा सरबजीत कौर माणुके प्रोफेसर बलजिंदर कौर मीतेयर मैं अजे भी कह रहा प्रोफेसर बलजिंदर कौर के नाँ से कुछ डाउट है और विचार पार्टी अजे भी चल रहे हैं। सो वो थोड़ा अगे पिछे नाम हो सकता है पर बाकी चेहरे फाइनल ने। इस तो अलावा कुंवर विजय प्रताप गोल्डी कंबोज गुरमीत सिंह खुटिया लाभ सिंह गोगोके डॉक्टर जीवनजोत कौर ये पांच नवे चेहरे ने जिन्हों चो शामिल किया जाएगा कैबिनेट के दो या तीन चेहरिया नूं। आ गई इस मीटिंग तो
इस मीटिंग तो एक वड्डी अपडेट आ गई है, कुछ नाम फाइनल हो चुके ने, कुछ नाम इस मीटिंग दे विच फाइनल हो चुके ने। मैं एक एक करके जानकारी दे देना कि आखिरकार वो केड़े केड़े नाम ने जेड़े के इस मीटिंग दे विच फाइनल होए ने। सब तो पहला नाम हरपाल सिंह चीमा दा, डॉक्टर बलजीत कौर, डॉक्टर बलजीत कौर नवा ना, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ, डॉक्टर विजय सिंगला ये मंत्री होणगे, गुरमीत सिंह मीतेर ते हरजोत बैंस भी मंत्री अहुदे दी सहुं चुकणगे। इस तो अलावा लाल चंद कटारू चक यानी कि माझे नूं जो रिप्रेजेंटेशन है, कुलदीप सिंह तालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर ते ब्रह्म शंकर जिम्पा मंत्री बनणगे। 10 मंत्री ने जिहड़े कि सहुं चुकणगे, हरपाल चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ, विजय सिंगला, गुरमीत मीथेयर, हरजोत बैंस, लालचंद कटारूचक, लालजीत भुल्लर, ब्रह्म शंकर जिम्पा, ये नाम जेड़े सामने आए ने। सो वड्डी खबर लगातार थोड़े तक पहुंचा रहे हैं, कैबिनेट फाइनल हो चुकी है, 10 नाम फाइनल हो चुके ने। हरपाल चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ, विजय सिंगला, गुरमीत सिंह मीथेयर, हरजोत बैंस, लालचंद कटारूचक, कुलदीप तालीवाल, लालजीत भुल्लर ते हुशियारपुर तो जिते ब्रह्म शंकर जिम्पा फाइनल हो चुके ने। 10 नाम यानी कि टीम तय हो चुकी है, वड्डी खबर लगातार थोड़े तक पहुंचा रहे हैं, टीम तय हो चुकी है, ये 10 मंत्री जेड़े भलके सौ चुकणगे। बड़ी देर तो उड़ीक सी कि नाम केड़े होणगे, बड़े हैरान कर देण वाले नाम ने, पुराने सारे नामां नूं साइड कीता गया ते नवे चेहरियां नूं कैबिनेट लई तवज्जो दे दित्ती गई है। सो 10 मंत्री ने जेड़े भलके सौ चुकणगे। सो वड्डी खबर लगातार थोड़े तक पहुंचा रहे हैं, 10 मंत्री भलके सौ चुकणगे, कई पुराने चेहरियां नूं फिलहाल हटा दिता गया है। अमन अरोड़ा का नाम हुण इहदे च नहीं है, जो सौ चुकण वाले ने उन्हां च अमन अरोड़ा का नाम फिलहाल नहीं है। हरपाल चीमा ने, डॉक्टर बलजीत कौर ने, हरभजन सिंह ईटीओ ने, विजय सिंगला ने जिहड़े के मानसा तो जित के आए ने, इस तो अलावा गुरमीत मीथेर ते हरजोत बैंस, हरजोत बैंस आनंदपुर साहब तो इलैक्शन जीते ने, लाल चंद कटारू चक, कुलदीप सिंह तालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर ते ब्रह्म शंकर जिम्पा मंत्री बनणगे। कल सवेरे 11 बजे सहुं चुक समागम होएगा। वड्डी खबर, 10 मंत्रियों के नाम फाइनल हो चुके ने। इस वेले की वड्डी खबर लगातार थोड़े तक पहुंचा रहे हैं, वड्डी खबर लगातार थोड़े तक पहुंचा रहे हैं, 10 नाम फाइनल हो चुके ने। दसां दी तस्वीर और दसां दे होर ग्राफिकली सारा थोड़ा विखावांगे कि नाम फाइनल हो चुके ने। बड़ा हैरान कर देने वाला एक नवी जी कैबिनेट है, यानी कि पुराने चेहरियां नूं फिलहाल उन्नी तवज्जो नहीं। कल्ला हरपाल चीमा का नाम ते मीथेयर का नाम पुराने चेहरियां चो जरूर सामने आ रहा है, बाकी अमन अरोड़ा, प्रोफेसर बलजिंदर कौर, सरबजीत कौर माणूके, ये सारे नाम फिलहाल प्रिंसीपल बुधराम नहीं ने, नवे चेहरे ने जिहड़े कैबिनेट च शामिल किए जा रहे हैं, जिन्हां च जे एक एक करके गल करिए हरपाल चीमा का नाम है, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ, विजय सिंगला, ये चार नाम ने जिहड़े के मालवे तो आते हैं। इस तो अलावा जे असी गल करिए गुरमीत मीथेयर ते हरजोत बैंस ये भी मालवे तो ही ने, एक आनंदपुर साहब तो ते एक बरनाले तो, लालचंद कटारूचक, कुलदीप धालीवाल ए ते लालजीत भुल्लर, ये तीनों नाम माझे तो, दुआबे तो, ब्रह्म शंकर जिम्पा, ये 10 नाम सामने आ चुके ने। कैबिनेट मंत्री वजो सहुं चुकणगे, कल 11 बजे सहुं चुक समागम होएगा। वड्डी खबर लगातार थोड़े तक पहुंचा रहे हैं, 10 नाम फाइनल हो चुके ने, नाम सामने आ चुके ने, एक नवी जी कैबिनेट है। वड्डी खबर लगातार थोड़े तक पहुंचा रहे हैं, हरपाल चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर,
हरभजन सिंह ईटीओ विजेंद्र सिंगला दस नाम सामने आ चुके ने। वड्डी खबर लगातार थोड़े तक पहुंचा रहे हैं। सो एक दस जड़े विधायक ने भलके कैबिनेट वजो सौ चुकणगे, कैबिनेट मंत्री वजो सौ चुकणगे। वड्डी खबर लगातार थोड़े तक पहुंचा रहे हैं। एक नवी कैबिनेट के तौर पर असीं वेख सकते हैं। पंजाब च भलके सौ चुक समागम होएगा। दस मंत्री भलके सौ चुकणगे। हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ, विजय सिंगला मंत्री बनणगे, गुरमीत सिंह मीथेयर, हरजोत बैंस, लालचंद कटारू चक, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह पुल्लर, ब्रह्म शंकर जिम्पा ये मंत्री होंगे। छोटे जे ब्रेक लिए रुक रहे हैं, ब्रेक तो बाद छेती हाजिर होने। अज एक ऐसा दिन है जिते हर खुशियां का भरिया दिन है। अज साड़ी सारी आम आदमी पार्टी की टीम खुशियां मना रही है, जित दियां भी खुशियां ते होली दियां भी खुशियां। इस तरह देखते हो क्योंकि अज पहली होली है, क्योंकि अज पहली बार पंजाब दी सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की और होली मना रहे हैं, किन्ना कु माहौल खुशियां भरा है? बहुत खुशियां भरा दिन है अज ते पंजाब विच सरकार बनी है, तो ये पंजाब नूं एक वक्री खुशी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों की अपनी सरकार है, तो वह खुशियां अज तुहानूं इत्थे दिख रही हैं। अज पूरे पंजाब हर थां ये जश्न मनाए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक रंगां नाल मनाई जा रही होली है, कैमिकल तो आपां दूर हाँ, किस तरह दा लोकां नूं सुनेहा देना चाहुंदे? नहीं, असीं यही सुनेहा दिता है कि कैमिकल तो बच के रहो, ऑर्गेनिक कलर नाल करो। पहला फुल्लां दी होली खेडी है, हुण ऑर्गेनिक कलर है और सुके कलर है। असीं होली बना के एक दूजे नाल प्यार बधाना है, ना कि किसी लिए परेशानियां बधानी। करप्शन लिए भगवंत मान जी ने कहा है कि नवा नंबर जारी करांगे, किस तरह दा माहौल है लोकां च विचर रहे हो, की लोकां वल्लों कहा जा रहा? नहीं, लोग बड़े खुश है। लोग कहिंदे आ जी आम आदमी पार्टी एक्शन च आ गई है, क्योंकि लोग बड़े परेशान सी, हर पासे करप्शन सीगी, ते हुण लोकां ने एक जिद्दण दी आम आदमी पार्टी दी सरकार आई है, लोग ये कहते हैं जी अज असी खुल के सह लेना शुरू कर दिता है। सो किस तरह देखते हो जी अज मैडम नीना मित्तल होली ना खेड रहे हो, आम लोगों वांगू होली खेड रहे हो, कभी देखे सीगा इस तरह कभी विधायक किसी एम एल एद होली खेड रहे? बिल्कुल जी, असं तो सपने च भी नहीं सोचा सी नीना मित्तल एम एल ए बनावे, तो उन्होंने इन्ने वधिया तरीके होली मनावे जी। की कहना चाहते हो जी अज होली का? साढ़े लिए यादगार होली है जी, असं एम एल ए नाल मना रहे हैं। सानू असी विश्वास भी नहीं कर सकते सी भी ये भी दिन आएगा साड़ी लाइफ दे विच कि असी एक एम एल ए नाल होली मना सकांगे। एक होली दा त्यौहार है, दूजी जित दी खुशी विच भी है। हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत ही रंगा भरिया त्यौहार है, असी पंजाब नूं भी ये रंगा भरिया बनाना चाहुंदे हां। की कहना चाहुंदे हो जी अज होली मना रहे हो? सब तो पहला तो होली दी सारे पंजाबियों नूं बहुत बहुत मुबारकां। देखो जिवें होली दे रंगां दी तरह साड़ी आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों के जीवन के खुशियां लेके आएगी, तरक्की लेके आएगी, और उन्होंने जो सुपने उन्हें देखे आम आदमी पार्टी की सरकार बना के वो सारे पूरे करांगे। मैं तो यही कहना सारे पंजाब वालों नूं कि तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं सानूं इन्ने बहुमत जताया हैगा, असीं तुहाडी उम्मीदां उत्ते पूरा खरे उतरांगे। किन्नी खुशी है जी? बहुत ज़्यादा खुशी है जी। जिवें सब तो पहला तो सारे पंजाब वासियों तो राजपुरा वासियों होली दी शुभकामनावां। होली दे रंगा वांग ही पंजाब वासियों का राजपुरे वासियों का जीवन हरा भरा रंग भरिया करांगे। तो सर मैडम नीना मित्तल जिहड़े उन्होंने घर में अज होली का त्यौहार खुशियां नाल मनाया जा रहा है और रंग बिरंगे तुम देख सकते हो कि पटाकों के जिहड़े ने वह भी इत्थे वजाए जा रहे हैं और ढोल दे डगे ते भंगड़े पा के खुशी मनाई जा रही है और विधायकों के घर में उन्होंने वर्कर ने भंगड़े पा के होली के त्यौहार का जिते जित की खुशी मना रहे हैं, उत्थे आम आदमी पार्टी की पंजाब दे विच सरकार बनते वह भी खुशी मनाई जा रही है। कैमरा पर्सन मोहित कुमार के नाल दया सिंह राजपुरा। सो अज होली का त्यौहार देश विदेश के विच खुशियां भरिया माहौल लैके आया और वक् वक् तरह तरीके जी होली मनाई जा रही है, उत्थे ही पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बहुमत नाल जितने तो बाद आम आदमी पार्टी के विधायक नीना मित्तल हलका राजपुरा तो विधायकों ने उन्होंने घर तुसीं देख सकते हो खुशियां भरे माहौल है और रंगां दे नाल एक दूजे नूं
एक दूजे उपर रंग सुटे जा रहे हैं, खुशियां भरा माहौल है और भंगड़े पा के गिद्धे भंगड़े पा के होली का त्यौहार है जिहड़ा मनाया जा रहा और तुसीं देख सकते हो कि खुशी वाला माहौल है देखने मिल रहा है। तो जिते पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की बहुमत की सरकार बनी उत्थे ही भंगड़े पा के अज नीना मित्तल के घर में खुशियां भरा माहौल है। गलबात करनी चाहवांगे मैडम नीना मित्तल नाल, मैडम की कहना चाहते हो अज जितने तो बाद पहली होली मना रहे हो? अज कल सब तो पहला तो मैं पूरे पंजाब नू, पूरे भारत नू और विदेशों में बसते भारतीयों नू होली दी लख लख मुबारक दिंदी हां। तो अज एक ऐसा दिन है जिते हर खुशियां का भरिया दिन है। अज साडी सारी आम आदमी पार्टी की टीम खुशियां मना रही है, जित दियां भी खुशियां ते होली दियां भी खुशियां। इस तरह देखदे हो क्योंकि अज पहली होली है, क्योंकि अज पहली बार पंजाब दी सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की और होली मना रहे हैं, किन्ना क माहौल खुशी भरा? बहुत खुशियां भरा दिन है अज। तो पंजाब विच सरकार बनी है तो ये पंजाब नू एक बखरी खुशी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों की अपनी सरकार है। तो वह खुशियां अज तुहानू इत्थे दिख रही हैं। अज पूरे पंजाब हर थां इह जशन मनाई जा रहे हैं। ऑर्गेनिक रंगां नाल मनाई जा रही होली, कैमिकल तो आपां दूर आ, किस तरह नाल लोकां नूं कुछ संदेश देना चाहुंगे? नहीं, असीं यही संदेश दित्ता है कि कैमिकल तो बच के रहो, ऑर्गेनिक कलर नाल करो। पहला फुल्लां दी होली खेडी है, हुण ऑर्गेनिक कलर है और सुके कलर है। असीं होली बना के एक दूजे नाल प्यार बधाना है, ना कि किसी लिए परेशानियां बधानी। करप्शन लिए भगवंत मान जी ने कहा है कि नवा नंबर जारी करांगे, किस तरह का माहौल है लोगों च विचर रहे हो, की लोगों वल्लों कहा जा रहा है? नहीं, लोग बड़े खुश है। लोग कहिंदे जी आम आदमी पार्टी एक्शन च आ गई है, क्योंकि लोग बड़े परेशान सी, हर पासे करप्शन सीगी। तो हुण लोगों ने एक जिद्दां दी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लोग ये कहिंदे जी अज असीं खुल के सह लेना शुरू कर दिता है। सो किस तरह देखते हो जी अज मैडम नीना मित्तल होली नाल खेड रहे हो, आम लोगों वांगू होली खेड रहे हो? कभी देखे सीगा इस तरह कभी विधायकां किसी MLA इदां होली खेडदे? बिल्कुल जी, असीं तां सपने च भी नहीं सोचिया सी पै नीना मित्तल नूं MLA बनावांगे ते उहनां नाल इन्ने वधिया तरीके नाल होली मनावांगे। जी की कहना चाहुंदे हो जी अज होली दा त्यौहार? साडे लई इह यादगार होली है जिहड़ी असीं MLA नाल मना रहे हां। सानू असी विश्वास भी नहीं कर सकते सी भी यह भी दिन आएगा साडी लाइफ दे विच कि असी एक MLA नाल होली मना सकांगे। एक होली दा त्यौहार है, दूजी जित दी खुशी विच भी है। जी बिल्कुल जी, बहुत ही रंगा भरिया त्यौहार है, असी पंजाब नू भी इह रंगा भरिया बनाना चाहुंदे हां। की कहना चाहुंदे हो जी अज होली मना रहे हो? सब तो पहला तो होली दे सारे पंजाबियों नू बहुत बहुत मुबारकां। देखो जिवें होली दे रंगा दी तरह साडी आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों के जीवन के खुशियां लेके आएगी, तरक्की लेके आएगी और उन्होंने जो सुपने उन्हें देखे आम आदमी पार्टी दी सरकार बना के वो सारे पूरे करांगे। मैं तो यही कहना कहना सारे पंजाब वालों को कि तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं सानूं इन्ने बहुमत जिताया हैगा, असीं तुहाडी उम्मीदां उत्ते पूरा खरे उतरांगे। किन्नी खुशी है जी? बहुत ज़्यादा खुशी है जी। जिवें सब तो पहला तो सारे पंजाब वासियों तो राजपुरा वासियों को होली दीआं शुभकामनावां। होली दे रंगां वांग ही पंजाब वासियों का राजपुरे वासियों का जीवन हरा भरा ते रंग भरिया करांगे। तो ये सन मैडम नीना मित्तल जिहड़े उन्होंने घर में अज होली का त्यौहार खुशियां नाल मनाया जा रहा और रंग बिरंगे तुसीं देख सकते हो कि पटाकियां दे जिहड़े ने ओह भी इत्थे वजाए जा रहे हैं और ढोल दे डगे ते भंगड़े पा के खुशी मनाई जा रही है और विधायकां दे घर में उन्होंने वर्कर ने भंगड़े पा के होली दे त्यौहार दा जिथे जित दी खुशी मना रहे हैं, उत्थे आम आदमी पार्टी की पंजाब दे विच सरकार बनते वह भी खुशी मनाई जा रही है। कैमरा पर्सन मोहित कुमार दे नाल दया सिंह राजपुरा। सो अज होली का त्यौहार देश विदेश दे विच खुशियां भरिया माहौल लैके आया और वक् वक् तरह तरीके नाल जिहड़ी होली मनाई जा रही है उत्थे ही पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बहुमत नाल जितण तों बाद आम आदमी पार्टी के विधायक नीना मित्तल हलका राजपुरा तो विधायक ने उन्होंने घर शुरुआत तो करने कुलतार संधवा स्पीकर होंगे इस सरकार दे विच विधानसभा दे स्पीकर कुलतार सिंह संधवा कोट कपूरा तो MLA कुलतार सिंह संधवा स्पीकर होंगे डिप्टी स्पीकर दे नाम ते बिलासपुर का नाम फाइनल हो चुके हैं ते 10 मंत्री भलके सौ चुकणगे स्पीकर डिप्टी स्पीकर की चोण विधानसभा होएगी पर 10 मंत्री विजय सिंगला मानसा तो MLA हरजोत बैंस आनंदपुर साहब तो MLA हरभजन सिंह ETO अटारी तो MLA इस तो अलावा ब्रह्म शंकर जिम्पा होशियारपुर तो MLA कैबिनेट च शामिल हो रहे हैं कुलदीप धालीवाल ने। इस तो अलावा जे असी गल करिए लाल चंद कटारू चक कैबिनेट च शामिल हो रहे हैं ठीक। इस तो अलावा डॉक्टर बलजीत कौर जेडे मलोट तो इलेक्शन जीत के विधानसभा पहुंचे ने कैबिनेट का हिस्सा होंगे। सो 10 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा मान कैबिनेट का हिस्सा 10 मंत्री नाम फाइनल हो चुके ने।
ਸੋ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕੱਲ 10 ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੁਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟੀਮ ਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 10 ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੱਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਮੀਤ ਏਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 10 ਚਿਹਰੇ ਆਪ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਲਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਸ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਮੀਤ ਏਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹਲਫ ਲਏਗੀ 10 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੋਹਰ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹਲਫ ਲਏਗੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ MLA ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨਾਊਂਸਸ ਹਿਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜਿੜਵਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਲੋਟ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਜੰਡਿਆਲਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ MLA ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਮਾਨਸਾ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਭੋਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਅਰ ਬਰਨਾਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਪੱਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਚਿਹਰੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ 10 ਚਿਹਰੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹਲਫ ਲਏਗੀ ਤਸਵੀਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਮੀਤ ਏਅਰ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜਿੜਵਾ ਤੋਂ MLA ਮੀਤ ਏਅਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਭੋਆ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਲੋਟ ਤੋਂ 10 ਚਿਹਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 10 ਚਿਹਰੇ ਮਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ 10 ਚਿਹਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 10 ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟਵੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 10 ਚਿਹਰੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 10 ਚਿਹਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿੜਵਾ ਤੋਂ MLA ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ LOP ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ
मीथेयर बरनाला तो एमएलए कैबिनेट मंत्री वजो भलके सौ चुकणगे। कुलदीप तालीवाल अजनाला तो एमएलए अमृतसर तो लोकसभा भी लड़े सीगे, एक बार फिर तो इलेक्शन लड़े जिते ते कैबिनेट का हिस्सा होणगे। हरभजन सिंह ईटीओ जंडियाला तो पार्टी ने टिकट दिता, मैदान च उतरे जिते मान कैबिनेट का हिस्सा होणगे। डॉक्टर बलजीत कौर मलोट तो एमएलए जित के आए ने ते कैबिनेट का हिस्सा। पांच होर चेहरे कहड़े ने, उन्हां पांच चेहरियां दी भी गल करांगे। इस तों अलावा जिहड़े होर पांच चेहरे कैबिनेट च शामिल होण जा रहे ने, क्योंकि ये चेहरे उह ने जिहड़े बिल्कुल नवे ने। हरजोत बैंस, कल हरजोत बैंस नाल जदों मैं गल की तो उन्होंने कहा कि मैं फेसबुक ट्विटर कहिंदे मेरे को 4000 मैसेज अजे अनरीड पे है, मैं लगातार एक टीम रख के लोगों नाल राबता कर रहा, अपने घर दे बाहर एक पोस्टर लाया, थोड़ा आपदा घर है गेट खुले है जदों मर्जी आओ। लगातार पार्टी लई अज तो नहीं जदों तो पंजाब च पार्टी है, ये शायद बड़े घट लोगों नू जानकारी होए। 2014 दे विच जदों चार लोकसभा सीटा पार्टी ने जितियां सी, भगवंत मान वाली, फरीदकोट वाली, पटियाले वाली, फतेहगढ़ साहब वाली, खालसा साहब वाली, उदों चार सीटा ते जित उदों हरजोत बैंस पार्टी के कन्वीनर सीगे। इस बार आनंदपुर साहब तो पार्टी ने टिकट दिता है, बड़े चंगे बुलारे ने पार्टी के, लगातार वक्त-वक्त प्लेटफॉर्म से पार्टी के मसले चुकते आए ने, कैबिनेट का हिस्सा बनन जा रहे ने। लालचंद कटारू चक वो चेहरा जिहड़े के पिछलियां लोकसभा चोणां वेले पार्टी ने भरोसा जताया, लोकसभा तक की टिकट दिती गुरदासपुर तो, उदों हनेरी कोई होर थी, इस बार हनेरी कुछ होर। भोआ तो पार्टी ने टिकट दी, इलेक्शन लड़े जिते ते हुण मान कैबिनेट का हिस्सा ने, होणगे कल सौ चुकण तो बाद। विजय सिंगला मानसा तो इलेक्शन लड़े, नाट 11 का जिक्र बड़ा होया क्योंकि सिद्धू मूसेवाला उत्थों इलेक्शन लड़ रहे थे, बुरी तरह हराया, आए ते हुण मान कैबिनेट का हिस्सा ने, भगवंत मान की कैबिनेट का। ब्रह्म शंकर जिंपा होशियारपुर तो जिते ने, सुंदर शाम अरोड़ा हराया साबका कैबिनेट मंत्री ने। बीते दिन विधानसभा मैं मिले, मैं कहते कि बहुत घट लोग ने जोड़े कि जानते हैं, क्योंकि बहुत आम आदमी ऐतकी इलेक्शन जीत के विधानसभा पहुंचे ने। जिंपा का एक कहना सी होशियारपुर जिले में अगे लैके जावे, उदों घूमन साहब राजा जी तो जिंपा उदों मेरे गल कर रहे थे, तो हूँ कैबिनेट का हिस्सा हो गए ब्रह्म शंकर जिंपा होशियारपुर तो MLA ने। अगला तो अखीरला नाम है डॉक्टर बलजीत कौर मलोट तो, बड़े धुरंधरा चित करन तो बाद, चूंकि मलोट तो पिछली बार डिप्टी स्पीकर भी सीगे। अजैब सिंह पट्टी टिकट नहीं दी गई, कांग्रेस ने टिकट बदली, पर जीत के पहुंचे, और जी सब तो वड्डी गल है कि हुण मान कैबिनेट का हिस्सा बनन जा रहे हैं। ये 10 नाम फाइनल हो चुके ने, इन्हां 10 नामों पर मोहर आप भगवंत मान वालों ला दी गई है। हुण उड़ीक सवेरे 11 बजे की सौ चुक समागम की, जदों ये 10 के 10 चेहरे मंच से गोपनीयता के अहदे की सौ चुकणगे, और उस तो बाद मान कैबिनेट की 12:30 बजे पहली मीटिंग हो जाएगी। सवाल वड्डा है कि कल वड्डे फैसले इस कैबिनेट की होणगे, पंजाब पक्षी फैसले की होणगे, उस पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई खेतीबाड़ी नाल जुड़े है, कोई IT प्रोफेशन तो है, कोई नौजवान है, ये बड़ी एक बैलेंस या कह दिए कि हर किते नूं ध्यान च रखते हुए ये चेहरे असी कह सकते हैं कि शामिल किए गए ने। पर कुछ सवाल पुराने चेहरे क्यों नहीं, ये सवाल भी उठने शुरू हो गए ने। अमन अरोड़ा, प्रोफेसर बलजिंदर कौर, सरबजीत कौर माणुके, ये जो चेहरे ने, प्रिंसीपल बुधराम, जयकिशन रोड़ी, या होर भी बड़े चेहरे जड़े सेकंड टाइमर, पर की उन्होंने नहीं लिया जा रहा या अगली बार भी उदीक है। सो ये बहुत सारे एक्विजिशन कितने ना कितने बनते नजर आ रहे हैं, पर कुल मिला के असं कह सकते हैं कि कैबिनेट तय हो चुकी है, ये नाम सामने आ चुके हैं। हरजोत बैंस, लालचंद कटारूचक, विजय सिंगला, ब्रह्म शंकर जिंपा, डॉक्टर बलजीत कौर, इस तो अलावा जो पांच होर नाम ने जो कैबिनेट के आए ने, उन्हें हरपाल चीमा, मीथेयर, कुलदीप तालीवाल, हरभजन सिंह ईटीओ जंडियाला वाले, तो डॉक्टर बलजीत कौर मलोट वाले। सो ये नाम फाइनल हो चुके हैं, वड्डी खबर लगातार थोड़े तक पहुँचा रहे हैं। मान कैबिनेट फाइनल हो चुकी है, सौ चुकी जानी है, भलके सौ चुकी जाएगी, और उस तो बाद असी कह सकते हैं कि टीम तैयार होने तो बाद 12:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग रख ली गई है, कुछ वड्डे फैसले होने की भलके की कैबिनेट मीटिंग तो की जा सकती है। सो सौ चुक समागम भलके रखा गया,
आप भगवंत मान ने ट्वीट करके अपनी टीम नू पहला ही मुबारक दे दित्तियां ने और कह दिता है कि काम करन लई तैयार रहो, पंजाब नू अगे लेके जान लई तैयार रहो। सुरपाल चीमा मीथियर, कुलदीप तालीवाल, हरभजन सिंह, ईटीओ बलजीत कौर, हरजोत बैंस, लालचंद कटारूचक, विजय सिंगला, ब्रह्मशंकर जिम्पा, बलजीत कौर, यह चेहरे ने जिहड़े कैबिनेट च शामिल ने। समान की वजारत तय हो चुकी है, 10 चेहरे जिहड़े भलके कैबिनेट वजो सौ चुकणगे वो फाइनल हो चुके ने। हरजोत बैंस, लालचंद कटारूचक, विजय सिंगला, ब्रह्मशंकर जिम्पा, बलजीत कौर, यो नाम ने जिहड़े कैबिनेट च शामिल हो रहे हैं। हरपाल चीमा मीथियर, कुलदीप धालीवाल, हरभजन सिंह ईटीओ, वड्डी खबर लगातार थोड़े तक पहुंचा रहे हैं। सो भगवंत मान वालों ट्वीट करके अपनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। बल्कि पंजाब वजारत सौं चुकेगी, 10 कैबिनेट मंत्री सौं चुकणगे, हरपाल चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ, विजय सिंगला, लालचंद कटारूचक, गुरमीत सिंह मीथियर, कुलदीप धालीवाल, लालजीत पुल्लर, ब्रह्मशंकर जिम्पा, हरजोत बैंस, यो चेहरे ने जिहड़े कैबिनेट का श्रृंगार बन रहे ने। ठीक सुनिया तुसी, कैबिनेट का श्रृंगार बन रहे ने। भगवंत मान वालों बकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी सांझी की गई है। सीधा संगरूर दर्ज करांगे विक्की साढ़े नाल जुड़ चुके ने। विक्की, कह सकते हैं कि बड़ी अनएक्सपैक्टेड या अजिहे चेहरे जिन्हां नूं चर्चावां च नहीं सीगे पर कैबिनेट च शामिल होए, यानी कि मन सकते हैं कि सरकार दे विच चर्चावां घट कीतियां जाण, सिर्फ ऐलान की उड़ीक की जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस जिहड़े चेहरे की चर्चा भी नहीं हो रही थी वो चेहरे नूं जिहड़ा ऐलान कर दिता गया, भावें कि जो कुछ चेहरे की जिहड़ी आपां चर्चा कर रहे थे उन्होंने सुभाविक तौर के उपर शामिल किया गया। सरूर तो कई नाम जिहड़े चर्चा के आ रहे थे, सब तो अगे जिहड़ा अमन अरोड़ा का नाम आ रहा है, उस तो पहले हरपाल चीमा का नाम आ रहा है। अमन अरोड़ा सब तो वध वोटां नाल जितने वाले जिहड़े विधायक से, दूजी बार विधायक बने से, पर हुण सिर्फ हरपाल सिंह चीमा नूं जिहड़ा चुनिया गया तो बरनाला तो मीथियर नूं चुनिया गया है, क्योंकि हरपाल चीमा के घर के बाहर खड़े हैं। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ी तैयारियां ने चंडीगढ़ जाने दी, जिहड़ी तैयारियां ने हो चुकियां ने, थोड़ी देर बाद हरपाल जी मैं कह सकते हैं इतों
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ, ਜਿਹੜੀ 11 ਵਜੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 7 ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮੀਤ ਥੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁਧਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੜਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਪਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ 6 ਦੇ 6 ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਔਰ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਆਧ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੜਾ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਮਾਲਵਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਓਗੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹਿਆਰ ਦਾ, ਤਾਂ 5 ਚਿਹਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 5 ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਇੱਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 75,000 ਵੋਟ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਵਿੱਕੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਗਤਾ ਮਸਲਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।